हेलो दोस्तों, ऑर्बिटल केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रीतेश मौर्य और हम लोग यहां पर केमिस्ट्री का बहुत ही फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। और आज हम लोग यहां पर रिवीजन करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसको हम लोग यहां पर रिवाइज करते हैं। चलिए यहां पर देखते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, तो नाम से यहाँ पर आपको दो टर्म्स मिल रहे हैं। पहला टर्म्स कह रहा है इक्विल केमिकल को और दूसरा बता रहे हैं इक्विलिब्रियम, हिंदी में कहा जाता है रासायनिक साम्य। अब बात करते हैं केमिकल का मतलब यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, तो याद रखना ये किसी केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा है, किसी केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा है और उसके इक्विलिब्रियम की बात होगी। अब सवाल आते हैं कौन सी इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, मतलब क्या चीज़ वहाँ पर बैलेंस होने वाला है, तो उस सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। किसी केमिकल रिएक्शंस के बारे में होगी बात, ठीक है, उसके इक्विलिब्रियम की बात होगी और कौन सी इक्विलिब्रियम की बात होगी उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए यहाँ पर बात करते हैं, अगर किसी केमिकल रिएक्शंस की बात हो रही है तो यहाँ पर हम लोग इसके रिएक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर कितने टाइप्स का हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन की बेसिस पे कितने टाइप्स का हो सकता है। तो पहली बात यहाँ पर बताया गया, एक रिवर्सिबल रिएक्शंस आपको मिलेगी, एक होती है इररिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल का मतलब ही लग रहा है, यहाँ पर नाम से ही लग रहा है कि जो क्या करती है, रिवर्स में भी चल रही है। वैसे रिएक्शन क्या होती है, फॉरवर्ड में चलती है, लेकिन अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है तो वो फॉरवर्ड में भी चलती है साथ साथ रिवर्स में भी चलती है। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल बताया N2+3H2, ये क्या करता है 2NH3 का फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पर मैंने साइन को अगर आपको दिखाई दे, यहाँ पर आगे की तरफ भी एरो को दिखाया गया और पीछे की तरफ भी दिखाया गया, इसको कहा जाता है साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है, मतलब ये दोनों मिलकर के इसको बना रहे हैं और ये टूट करके इन दोनों को बना रहा है। ऐसे सेम यहाँ पर H2+I2 ये क्या कर रहा है, 2HI का फॉर्मेशन कर रहा है और ये 2HI डिसोसिएट होकर के इनका फॉर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर जो इररिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, मतलब कि एक ऐसी रिएक्शन जो केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, बैकवर्ड में नहीं चलती, उसको हम लोग कहते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे AgNO3NaCl से रिएक्शन करता है तो यहाँ पर बताया गया AgCl का प्रेसिपिटेट हो जाता है और वहाँ पर NaNO3 बन जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ये ऐसा नहीं होता कि फिर से ये दोनों आपस में कंबाइन करके इसको बने। तो रिएक्शन केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, तो इसको इररिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब जो रिवर्स में नहीं आ रही है। जैसे यहाँ पर जिंक की रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं, ये ZnSO4 बन जाता है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो होती है वो बाहर निकल जाती है। रिएक्शन केवल एक ही डायरेक्शन में जा रही है, प्रोसीड कर रही है। अब इनकी कुछ खास बात की हम लोग बात करते हैं। कहा गया, यहाँ पर बताया गया, प्रोसीड इन फॉरवर्ड एज वेल एज क्या होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉरवर्ड में भी जाते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। और इनकी अगर बात करते, कहा गया केवल एक डायरेक्शन है, वो कौन सी डायरेक्शन, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन, केवल आगे की तरफ जाते हैं, पीछे वापस लौट के नहीं आते हैं। फिर यहाँ पर बात करते हैं, इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन आप कहाँ पर कराओगे। कहा गया इस रिएक्शन को आपको किसी क्लोज कंटेनर में कराना पड़ेगा, मतलब कंटेनर आपका क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ऐसा नहीं ओपन नहीं होना चाहिए वहाँ पर। तो कहा गया जितनी भी रिवर्सिबल रिएक्शन है वो कहाँ पर कराई जाती है, किसी क्लोज कंटेनर में कराया जाता है, क्योंकि हमको क्या करना है, रिएक्शन को वापस भी लाना है। कल को क्या पता चला हमने क्या किया, कंटेनर को ओपन कर दिया, उसमें जो गैसेस वगैरह भर रही हो तो उड़ के वो ऊपर चली गई। जब वो जो भी प्रोडक्ट आपका वहां पर बाहर एस्केप करने लगेगा तो इसका मतलब जो वो मिलेंगे नहीं तो पीछे कैसे जाएंगे, इसलिए इनके लिए हमेशा क्लोज कंटेनर की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके लिए बताया गया रिवर्सिबल है तो जनरली यहां पर ओपन कंटेनर की रिक्वायरमेंट होती है। फिर यहाँ पर बताया गया, चलो ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कहाँ पर बनने वाला है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, अभी तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग रिएक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो केमिकल इक्विलिब्रियम है, किस केमिकल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम की बात की जा रही है। तो कहा गया यहाँ पर जो रिवर्सिबल वाले रिएक्शन है, ध्यान से समझना, यहीं पर आपको इक्विलिब्रियम मिलने वाला है, और जो इररिवर्सिबल है यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं मिलने वाला है। तो ये इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, ये होगा क्या, ध्यान से समझना, ठीक है, किस इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। बताया गया जो रिवर्सिबल रिएक्शन होगी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको बताया ये जब आगे की तरफ जाएंगे तो इसको कहा जाता है रेट ऑफ फॉरवर्ड, और जब टूट करके पीछे की तरफ आएगा किसी एक स्पीड से, किसी एक वेलोसिटी से, जिसको कहा जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड। अब यहाँ पर जब इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो हम लोग इसी की बात करने वाले, जिस रेट से ये आगे बढ़ रहा है उसी रेट से वो पीछे आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब किसकी इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, रेट की बात कर रहे हैं, किसी केमिकल रिएक्शन की हम लोग रेट की बात करने वाले हैं। पूरे चैप्टर्स में कहेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है, जितनी स्पीड से फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है उतनी स्पीड से बैकवर्ड की तरफ जा रहा है। अब बताओ दोनों की स्पीड सेम हो गई, दोनों की क्या हो जाता है, रेट सेम हो जाता है, ठीक है। तो पूरे केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग इसी की बात करने वाले हैं, कोई रिवर्सिबल रिएक्शंस होगी और उसमें क्या हो जाएगी, अब बताओ कि फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट क्या होगा, बराबर होगा, तो उस कंडीशन में उसको हम लोग क्या कहते हैं कि अब इसकी इक्विलिब्रियम की अवस्था आ गई है, ठीक है। तो पूरे चैप्टर में हमको क्या करना है, इन्हीं के बारे में पढ़ना है, इनके बारे में जितना पढ़ना था उसको हम लोग यहां पर पढ़ चुके हैं। समझ में आया सबको,
चलिए हम लोग जानते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन में ही इक्विलिब्रियम स्टेट या फिर कहते हैं वहाँ पर रासायनिक साम्यावस्था स्थापित होती है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है, उन सारी चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, और यहाँ पर आपको पता है ए और बी एक रिएक्शन लिखी गई है, वो क्या करता है, सी और डी का फॉर्मेशन करता है, सी और डी का फॉर्मेशन करता है यहाँ पर, और ये दोनों क्या करते हैं यहाँ पर सी और डी, ये ए और बी का फॉर्मेशन करते हैं, बैकवर्ड साइड में आते हैं। लेकिन आपको पता है, आप थोड़ा सा यहाँ पर समझो कि हम लोग जो बीकर लेके चले थे, ठीक है, जो भी हमारा यहाँ पर क्लोज कंटेनर रहा होगा, इसमें हमने केवल ए और बी डाला था। क्या डाला था यहाँ पर, केवल ए और बी लेकर के चले थे, लेकिन आपको दिख रहा है यहाँ पर सी और डी बनता है और ये इनको बनाना शुरू करता है। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर ये समझ में आता है शुरुआती दौर में क्या होता है, यहाँ पर आपका जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ही चरम पे होती है, बहुत ही मैक्सिमम होती है। लेकिन ये जैसे जैसे ए और बी आपस में रिएक्शन करेंगे, वो क्या करेंगे, आपको पता है सी और डी का फॉर्मेशन करेंगे। शुरू में अगर बात करते हैं, इनिशियल में सी और डी तो वहाँ पर था ही नहीं, लेकिन क्या हो जाता है, ए और बी रिएक्शंस करते हैं और क्या करेंगे, इनकी मात्रा धीरे धीरे घटेगी और यहाँ पर सी और डी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ेगी, और सी और डी की जैसे जैसे मात्रा बढ़ेगी वो क्या करेगा, वो भी क्या करते हैं आपस में मिल मिल करके यहाँ पर पीछे की तरफ जाएंगे, ए और बी का फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आया? और आपको बताया जिस रेट से ए और बी आगे चल रहा है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, मतलब फॉरवर्ड की तरफ, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की तरफ क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ए और बी क्या करते हैं, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, सी और डी का फॉर्मेशन करते हैं, उस रेट को हम लोग आरएफ कहते हैं, और सी और डी जिस रेट से बैकवर्ड डायरेक्शन में आकर के ए और बी का फॉर्मेशन करते हैं उसको कहते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट, या आरबी कहते हैं इसको। ठीक है, तो यहां पर याद रखना सबसे मेन, यहां पर यह कहा जाता है अगर हम लोग इनिशियल की बात करते हैं, ठीक है, एक शुरू की बात करते हैं, तो होता क्या है यहां पर, अगर हम लोग यहां पर मान लेते हैं ये रेट को बता रहे हैं, आपका जो y एक्सिस है ये रेट को बता रहा है और यहां पर समय के साथ कैसे रिएक्शन आगे बढ़ रही है उसको बता रहा है। अगर मैं आपको यहां पर, आपको समझ में आया आरएफ क्या है, आरबी क्या है, मैं उसको यहां पर दर्शा रहा हूं। और एक चीज याद रखना, कोई भी रेट जो होता है, रेट जो होता है वो कंसंट्रेशन के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, कंसंट्रेशन के। तो अच्छा बताओ, जो आरएफ की बात करते हैं, इनिशियल में कौन सबसे ज्यादा था, ए और बी की मात्रा शुरू में सबसे ज्यादा थी, इसका मतलब रेट क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा कब होगी आरएफ की, शुरू में। इसलिए आरएफ को सबसे ऊपर से मैं दिखा रहा हूं, ये आपका यहां पर आरएफ चलने वाला है। ठीक है, बताया कि अगर हम शुरू की बात करते हैं क्या हो जाता है, आरएफ का रेट बहुत मैक्सिमम होता है, कुछ यहां पर होता है, लेकिन हाँ जैसे जैसे इसकी मात्रा घटेगी, जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटेगा रेट भी घटता है। अब बताओगे धीरे धीरे ये घटता चला जाएगा। और दूसरी तरफ क्या हो जाता है, शुरू में तो ए और बी, ये बैकवर्ड का रेट तो जीरो था क्योंकि ये तो कंसंट्रेशन थे ही नहीं, लेकिन जैसे जैसे इसकी मात्रा बढ़ती है ये रेट भी, आरबी की मात्रा यहां पर बढ़ने लगती है। अब बताओगे धीरे धीरे इनकी भी मात्रा ऐसे उठेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, और एक समय ऐसा आता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड घटते, ठीक है, और रेट ऑफ बैकवर्ड बढ़ते एक ऐसी अवस्था में आके पहुंच जाते हैं कि दोनों का रेट बराबर हो जाता है। जो यहां पर मैं सीधी लाइन आपको दिखा रहा हूं, यहां पर क्या हुआ, आरएफ और आरबी आपस में बराबर हो गए, और आपको पता है ये दोनों रेट बराबर हो गए, ठीक है, और इसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन थी अब कहां पर पहुंच गई है, वो इक्विलिब्रियम पर पहुंच गई है। समझ में आया सबको, इक्विलिब्रियम क्या यहां पर क्या हो जाता है। तो कंसंट्रेशन नहीं, ये कभी मत सोचना कि इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है। कंसंट्रेशन का टर्म नहीं, वो बराबर हो भी सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती है। एक ही बात याद रखना, क्या बराबर होता है तो आप बताओगे उनके रेट्स बराबर हो जाते हैं। समझ में आया इतना सबको। चलिए हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अगर कोई केमिकल इक्विलिब्रियम पे कोई भी रिएक्शंस पहुंच चुकी है, मतलब क्या हो रहा है, फॉरवर्ड का रेट और बैकवर्ड का रेट दोनों बराबर हो चुका है। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि बताओ इस रेट को कौन डिस्टर्ब कर सकता है, ओवरऑल इस इक्विलिब्रियम को कौन कौन डिस्टर्ब कर सकता है, और कौन कौन ऐसे हैं कि उनकी वजह से इक्विलिब्रियम में कोई दिक्कत नहीं होती है, हम लोग इसको देखते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे कवर कर लेते हैं। बताइए केमिकल इक्विलिब्रियम चेंज्ड बाई, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इसको परिवर्तित कर सकते हैं इक्विलिब्रियम को, वहाँ पर बताइए टेम्परेचर जो फैक्टर है इसकी वजह से इक्विलिब्रियम को बदला जा सकता है, कैसे होगा ये हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं, लेकिन अभी के लिए ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए। टेम्परेचर किसी इक्विलिब्रियम को बदल सकता है, प्रेशर की अगर प्रेशर का चेंज करते हैं घटाते बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम वहां पर डिस्टर्ब हो जाएगी, अगर वॉल्यूम ऑफ वेसल को हम लोग घटाते बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगी। इसके अलावा चाहे रिएक्टेंट की हो चाहे प्रोडक्ट हो, किसी की भी कंसंट्रेशन में अगर हम लोग परिवर्तन करेंगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम सबके सब क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब होगी। और यहां पर एक बात ये याद रखना यहां पर, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस, आप कोई अक्रिय गैसेस को वहां पर क्या कर रहे हैं उस क्लोज कंटेनर के अंदर एंट्री करा रहे हैं, लेकिन एक चीज याद रहे वो क्लोज वहां पर
प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर पे हो, प्रेशर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर आप इनर्ट गैस को इंसर्ट करते चले जा रहे हैं, इंसर्ट करते चले जा रहे हैं, उसकी वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगी। लेकिन अगर बात करते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर बताया गया एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एक बार फिर से देखना यहाँ पर, लेकिन ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, मतलब बर्तन का जो वॉल्यूम है वो घट बढ़ नहीं रहा है, वो जितना है उतना ही बना हुआ है। आप जितना मन के उतना इनर्ट गैसेज को ऐड करो, उसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं होगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर, क्योंकि सबके माइंड में ये होता है, कंफ्यूजन होता है, ठीक है, कि प्रेशर पे क्या था, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या था। तो याद रखना, अगर बर्तन का साइज नहीं बढ़ रहा है, वॉल्यूम जितना है वो क्लोज कंटेनर जितना था उतना ही बना हुआ है, वहां पर आप इनर्ट गैसेस ऐड करो, कुछ नहीं होता है। लेकिन यहां पर आपको पता है यहां पर क्या होता है, जब आपका प्रेशर कांस्टेंट है, आप गैस को भरते चले जाओ, गैस को भरते चले जाओ, भरते चले जाओ, वो क्या करेगा, वो कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा बढ़ाता चला जाएगा। और वॉल्यूम में चेंज आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप बताओगे वहां पर, उसकी वजह से क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होती है। फिर अगला यहां पर बताया गया कैटलिस्ट, आप चाहे जो भी वहां पर ऐड करो, ठीक है, बढ़ाने वाला कैटलिस्ट यूज करो या फिर घटाने वाला कैटलिस्ट यूज करो, उसकी वजह से कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव कैटलिस्ट है वो रेट को बढ़ाएगा, तो फॉरवर्ड का भी रेट बढ़ जाएगा और बैकवर्ड का भी रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। और बताया गया समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, इक्विलिब्रियम अगर बन गई है तो क्या हो जाएगा, वो चाहे आप अभी देखो चाहे घंटे बाद जाकर के देखो, इक्विलिब्रियम वहां पर बनी हुई आपको नजर आने वाली है। समझ में आया इतना सबको? चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, पूरे इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है तो कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं हम लोग उसको इकट्ठा करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक्टिव मास, ठीक है। अब आपको लगता होगा ये एक्टिव मास क्या है, यहाँ पर कुछ नया लग रहा है, तो कोई नई चीज़ नहीं है, जो हम लोग जिसको कंसंट्रेशन कहते हैं उसी को यहाँ पर एक्टिव मास के नाम से जाना गया, ठीक है। हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा इसी को, कंसंट्रेशन को यहाँ पर सॉल्युबिलिटी के नाम से जाना जाएगा, चीज़ वही है, ठीक है, यहाँ पर नाम बदल चुका है। अगर एक्टिव मास की बात करते हैं तो बताया गया इसको, जिसको हम लोग कंसंट्रेशन का भी कहा करते थे वही होता है, और आपको पता है फॉर्मूला तो यही चलता था ना, आप कह सकते हैं यहाँ पर एन अपान वी, यही फॉर्मूला चलता था, एक लीटर आप कह सकते हैं सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट के मोलों के नंबर को क्या कहते थे, कंसंट्रेशन, मोलैरिटी कहा जाता था, तो एन अपान वी हो जाएगा, ठीक है। और एन क्या है यहाँ पर, आपका मोल है, और मोल को क्या लिख सकते हैं, मास अपान मॉलिकुलर वेट भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, एक्टिव मास का यहाँ पर टर्म यूज होगा, ठीक है। लेकिन बार बार ऐसा नहीं हम लोग वहां पर एक्टिव मास ही बोले तो क्या होता है, इतना कॉमन चलता है कंसंट्रेशन, तो हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, कंसंट्रेशन ही बार बार कहेंगे, ठीक है। लेकिन कल को क्वेश्चन में एक्टिव मास करके आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको जानते नहीं, ठीक है, वो कंसंट्रेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर बात करते हैं यहां से, चैप्टर सही से स्टार्ट होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करते हैं। मास एक्शन का क्या होता है यहां पर लॉ, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को देखो आप, यहां पर ए प्लस बी, ये गैसियस है, रेट ऑफ फॉरवर्ड के साथ सी और डी बना रहा है, और सी और डी मिलकर के रेट ऑफ बैकवर्ड के साथ ए और बी का फॉर्मेशन कर रहा है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कोई भी रेट जो होता है, ध्यान से समझना, कोई भी रेट चाहे फॉरवर्ड का हो जो बैकवर्ड हो, वो क्या करता है, अपने रिएक्टेंट, ध्यान से समझना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब रिएक्टेंट कैसे यहां पर बताया गया टर्म, उसको थोड़ा सा समझना यहां पर। अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हमसे कह दिया कि चलो हम लोग चर्चा करने वाले हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड के बारे में, आरएफ की बात कर रहे हैं, तो अच्छा बताओ आरएफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसके रेस्पेक्ट में अगर रिएक्शन आगे की तरफ चल रही है तो रिएक्टेंट कौन कहलाएगा यहाँ पर, इस आगे वाली रिएक्शन के रेस्पेक्ट में, आप बताओगे ये रिएक्टेंट होगा, मतलब ये जो कंसंट्रेशन यहाँ पर रिएक्टेंट कौन है, ए, ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या फिर हम लोग इसको एक्टिव मास भी बोल सकते हैं। आप कह सकते हो कोई भी रेट जो होता है वो अपने रिएक्टेंट के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर हम लोग कंसंट्रेशन कह सकते हैं, ठीक है। अब सवाल आता है यहां पर, ये हुआ ऐसे, अगर यहां पर समझना, अगर हम लोग पीछे की तरफ चल रहे हैं, ये कोई रिएक्शन पीछे की तरफ, ऐसे सी और डी क्या कर रहा है, ए और वी का फॉर्मेशन कर रहा है, तो रेट ऑफ बैकवर्ड, अच्छा इसके लिए अगर देखा जाए, वैसे ओवरऑल रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट है, लेकिन अगर हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये पीछे की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये इस रेट के टर्म में अगर देखा जाए ये रिएक्टेंट का काम कर रहे हैं, और ये किसको बना रहे हैं, जो बनता है वो प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ए और बी इसके रेस्पेक्ट में ये प्रोडक्ट होगा, ये इसके रिएक्टेंट होगी, तो रेट ऑफ बैकवर्ड जो होगा वो सी और डी के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, ठीक, ऐसा हो जाता है। चलिए आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाना है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्या करना पड़ता है, किसी न किसी कांस्टेंट से गुणा करना पड़ता है, इसको मैंने के एफ कहा, और आप बताओगे कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, यहाँ पर क्या लेके चले हम, कह सकते हैं यहाँ पर के बी, कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी। चलिए हो गया इतना क्लियर है सबको, अब बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपने यहाँ पर फॉरवर्ड का रेट बना लिया, तैयार कर लिया, और यहाँ पर बैकवर्ड का रेट बना करके तैयार कर लिया, और आपको क्या पता है,
अभी हम लोग पहले पढ़ के आ रहे हैं, जब मैंने इक्विलिब्रियम के बारे में आपको बताया तो आपको ये पता चला कि रेट एट इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, अब बताओ इक्विलिब्रियम की अगर बात करेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड, यही तो होता है, यही होता है। और हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड की वैल्यू को भी निकाल लिया एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, तो इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड की यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप बताओगे, के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए लिख सकते हैं इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, और यहाँ पर के बी आर बी की यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप बताओगे, के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी, यही तो लिख सकते हैं, ये होता है। हम एक काम करते हैं, जो यहाँ पर कंसंट्रेशन का टर्म चल रहा है, फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट जो है यहाँ पर और बैकवर्ड का जो है, इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एक तरफ कर लेते हैं। एक तरफ करने का मतलब क्या है आप बताओ, ये नीचे आ जाएगा आपका यहाँ पर आर एफ अपान के एफ अपान के बी हो जाएगा। अच्छा ये वाला टर्म तो नीचे चला जाएगा ना, तो आपका यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी अपान कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है, ये हो जाता है। अच्छा बताओ ये दोनों कंसंट्रेशन ही तो हैं, मतलब यहाँ पर एक कांस्टेंट ही तो है, के एफ फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट, के बी क्या होता है बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट, इन दोनों कांस्टेंट को हटा ही देते हैं और हटा करके एक नया कांस्टेंट यहाँ पर बना ही लेते हैं, और वो क्या हो जाता है यहाँ पर के इक्विलिब्रियम, और इसी के इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिराइव्ड कहते हैं, और इसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको क्या कहते हैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है। तो कहा गया सबसे मेन यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर आपको यहाँ पर दिख रहा है ओवरऑल प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो जाता है, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन के आ जाता है। और के इक्विलिब्रियम को याद रखना, यहाँ पर अगर के इक्विलिब्रियम की हम लोग बात करते हैं, के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमको क्या पूरे चैप्टर में पढ़ना है, अगर आप कंसंट्रेशन की बात करोगे, ठीक है, आपका कंसंट्रेशन से जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग के सी लिखने वाले, अगर आपका यहाँ पर प्रेशर से जुड़ा हुआ है कोई भी रिएक्शन तो इसको हम लोग यहाँ पर इस इक्विलिब्रियम को के पी कहने वाले। तो कहने का मतलब यहाँ पर पूरी जो चर्चा होगी वो के सी के पी पे होगी और पूरी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट पे होने वाली है, इतना समझ में आया सबको। चलिए आपको पता चल गया यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्रभावित कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसको प्रभावित नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, फैक्टर हैविंग नो इफेक्ट ऑन के इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर कोई भी फर्क ना पड़े। तो याद रखना यहाँ पर कंसंट्रेशन का, चाहे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, चाहे इनिशियल की कंसंट्रेशन, कुछ भी हो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की घटाओ बढ़ाओ कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। फिर बताया गया समय के साथ क्या इसमें कोई परिवर्तन आने वाला, नहीं, एक कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। फिर बताया गया ये काम करते हैं कैटलिस्ट को ऐड कर देते हैं, उसकी वजह से कुछ नहीं होगा। फिर बताया गया काम करते हैं इनर्ट गैस का एडिशन कर देते हैं, वहां पर इनर्ट मटेरियल को डाल देते हैं उस रिएक्शन में, कुछ नहीं होने वाला है। बताया गया वॉल्यूम को घटा बढ़ा दे, कुछ नहीं होगा। आप बताया गया प्रेशर को घटा बढ़ा दे, कुछ नहीं होगा। चेंज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जिसको हम लोग कहते हैं, बताया गया इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाए, इन सब की वजह से कुछ नहीं होने वाला। मतलब इतने फैक्टर मैंने आपको बताए और इन फैक्टर में से कोई भी फैक्टर क्या कर सकता है, के इक्विलिब्रियम को नहीं हटा सकता, उसको चेंज नहीं कर सकता है। तो याद क्या रखना है आपको, कौन से ऐसे फैक्टर हैं, क्योंकि एक दो फैक्टर होते हैं जो इसको अफेक्ट नहीं करते तो हम इसको याद करते, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित कर सकते हैं, और उसमें केवल एक याद रखना, और वो कौन है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के अलावा चाहे जो कुछ भी लिख दिया जाए, याद रखना टेम्परेचर के अलावा चाहे कुछ भी लिख दिया जाए, कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को प्रभावित नहीं कर पाता, आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग इससे पहले एक टर्म पढ़ के आए थे इक्विलिब्रियम रिएक्शन, वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन थी, ये सारे फैक्टर्स मैक्सिमम क्या करते थे, उसको प्रभावित करते थे, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, किसकी कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, ऐसे जो हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, तो वहाँ पर मैंने बताया था रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट किसी भी इन सब पे डिपेंड नहीं करता था, किस पे डिपेंड करता था, वो भी टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता था। वैसे यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ रहे हैं, ये भी किस पे डिपेंड करने वाला है, केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाला है। तो ये छोटे छोटे टर्म्स पता होने चाहिए। चलिए यहाँ पर बात करते हैं, अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो इसमें भी हम लोग बात करते हैं, अगर ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर या फिर हीट की बेसिस पर रिएक्शन को बांटें, तो यहाँ पर हम लोग वैसे मेनली दो मिलता है, यहाँ पर तीन पढ़ लेते हैं। तीसरा यहाँ पर कौन सा है, जो कि मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया, उसको हम लोग बात करते हैं कौन कौन सा हो सकता है। पहली बात तो टेम्परेचर इफेक्ट देगा, और अब बात करते हैं यहाँ पर एक थर्मो न्यूट्रल रिएक्शंस होती है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक इंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। थर्मो न्यूट्रल नाम से लग रहा है कि थर्मो का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, और बताया गया अगर थर्मो न्यूट्रल रिएक्शंस है वहाँ पर आप टेम्परेचर को बढ़ा दो या फिर टेम्परेचर को घटा दो, उसकी वजह से के पी के सी या फिर जिसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जितना था उतना ही रहता है।
तो पहली बात तो ये समझ में आया टेम्परेचर का इफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे होता है, लेकिन ये भी याद रखना है कौन सी रिएक्शन में नहीं होगा टेम्परेचर का इफेक्ट, थर्मोन्यूट्रल रिएक्शंस में नहीं होता है, ठीक है। और थर्मोन्यूट्रल में याद रखना वहाँ पर क्या हो जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होती है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, कोई एक्सोथर्मिक है और एक्सोथर्मिक का मतलब ये होता है रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट को खुद निकाल रही है, ठीक है। वो रिएक्शन अगर आगे जा रहा है तो वो हीट को निकाल रहा है। अब आप देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन से आपने कहा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, अच्छा बताओ ये खुद हीट को बाहर निकाल रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और आप क्या करते हैं टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से हीट बढ़ेगा, और हीट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है अब वो फॉरवर्ड में नहीं जाएगा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना पसंद करेगा, क्योंकि फॉरवर्ड में खुद हीट निकाल रहा था, ठीक है। इसकी वजह से पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, ये बताया गया अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर को बढ़ाओगे रिएक्शन शिफ्टेड टू बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे की तरफ आएगा, और पीछे की तरफ आएगा तो आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि आपको अभी पता है केसी बराबर मैंने आपको बताया था यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी, याद हो जो मैंने एग्जांपल लिया था ए और यहां पर बी बताया, ठीक है यही तो बताया था। अच्छा ये बताओ फॉरवर्ड में जाएंगे तो सी और डी बनेगा, बैकवर्ड में जाएंगे तो ए और बी बनेगा, और आपको पता है ये अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं ये अगर जितना होगा ऊपर वाली वैल्यू उतना ही तो ज़्यादा ये होगा, अच्छा अगर नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा होगी तो ऊपर वाली वैल्यू के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। वही चीज़ होता है रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगा तो रिएक्टेंट को बनाएगा ए और वी, और अगर यहाँ पर ए और वी की मात्रा बढ़ेगी तो ओवरऑल क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू घट जाती है। ऐसे अगर टेम्परेचर को घटाएंगे तो रिएक्शन क्या चाहेगा, ठीक है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पसंद करेगा, ठीक है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाता है। फिर यहाँ पर एंडोथर्मिक की बात करते हैं, एंडोथर्मिक का मतलब ये होता है रिएक्शन को कराना है तो टेम्परेचर देना है, हीट को उसको देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, वही तो ये चाहते थे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसको हीट मिलेगी, हीट मिलेगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत तेज जाएगी, रिएक्शन शिफ्टेड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, और आपको बताया अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है, अगर बैकवर्ड में जाती है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू घटती है। तो यही बताया गया अगर टेम्परेचर को घटा दिया तो रिएक्शन शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, टेम्परेचर को कम कर दिया तब रिएक्शन आगे नहीं वो पीछे की तरफ भागना शुरू करेगा, और पीछे की तरफ भागेगा तो इक्विलिब्रियम की वैल्यू घट जाती है। तो समझ में आया कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट नहीं करते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में आप सीख चुके हैं कैसे निकाला जाता था, फिर मैंने आपको बताया कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट कर सकते हैं कौन नहीं कर पाता था, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर समझना है आपको, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। अगर आपको दिया गया ए प्लस बी, ये क्या करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में सी प्लस डी बनाता है, और यहाँ पर इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के वन दी गई है। अब देखना यहाँ पर एक दूसरी रिएक्शन दिया गया और आपसे पूछा गया इसके K2 की वैल्यू बताओ क्या होगा, अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो आपको याद रखना है यहाँ पर आपने क्या देखा, इन दोनों रिएक्शंस में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है इस रिएक्शन को जस्ट सिर्फ पलट दिया गया, घुमा दिया गया है, ठीक है, और घुमा दिया गया तो यहाँ पर सी प्लस डी ये ए और वी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। बताया गया जब किसी रिएक्शन क्या हो जाती, कोई भी रिएक्शन क्या हो जाती है किसी एक दूसरी रिएक्शन को जस्ट उसको रिवर्स करके बनाया गया है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसका मतलब ये जो रिवर्स वाली रिएक्शन है, ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, जिसका रिवर्स ये है उसका वन अपान इक्विलिब्रियम हो जाता है, तो उसके इक्विलिब्रियम का वन अपान हो जाता है। तो कहने का मतलब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए के टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बताओगे जिस रिएक्शन को पलटा गया है, ठीक है, उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वन अपान के वन कर दो, वन अपान के कर दो। तो यही चीज होता है यहां पर, अगर आपको रिएक्शन को पलटी गई है तो आपको तुरंत क्या करना है, पहले वाले का वन अपान के, ठीक है। तो यहां पर आपको ये वाला देकर के इसका पूछा गया, तो यहां पर ये, तो सबसे पहले आपको यहां पर यही देखना है रिएक्शन को उल्टा किया गया है तो यहां पर वन अपान हो जाएगा। चलिए अब यहां पर हम लोग बात करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक चेंजेस, अगर वहां पर किसी संख्या से गुणा कर दिया जाता है तो क्या हो जाएगा। जैसे कि माना गया इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है वो के है, के वन है, और आपको बताया गया अब यहां पर देखो यहां वाली रिएक्शन देखो जो दूसरी रिएक्शन है इसमें बताया गया किसी एन संख्या से मल्टीप्लाई किया गया है सब में, और अब बताया गया अगर इसका के टू है तो बताओ के वन के साथ क्या रिलेशन होगा। तो आप बताओगे क्या, ध्यान से समझना, के टू बराबर पहले बताओ क्या रिएक्शन सेम उसी टाइप की है जो रिएक्टेंट जिस साइड था पहली वाली रिएक्शन में, क्या सेकंड दूसरी वाली रिएक्शन भी वैसा है, आप बताओगे ए और बी लेफ्ट साइड था तो आपको लेफ्ट साइड मिला एज अ रिएक्टेंट, सी और डी राइट साइड एज अ प्रोडक्ट, यहां पर भी सी और डी प्रोडक्ट में मिला, ठीक है। अगर रिएक्शन सेम टू सेम है तो आपको क्या करना है, के टू बराबर के वन पहले वाले के बराबर करना है, ठीक है, पहली बात। उसके बाद क्या करना था आपको, देखना क्या किसी संख्या से मल्टीप्लाई किया गया है, आपने बताया हाँ यहाँ पर इस रिएक्शन में ऐसा लग रहा है एन से मल्टीप्लाई किया गया, जिस संख्या से मल्टीप्लाई किया गया वो क्या हो जाएगा उसकी पावर में चला जाएगा,
ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उसकी पावर में चला जाएगा। ऐसे मान लें यहाँ पर ये थर्ड वाली रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 है। अगर K3 का आपसे पूछा जाए बताओ ये पहली वाली रिएक्शन के साथ क्या रिलेशन होगा, आपने फिर से देखा, आपने देखा यहाँ पर A और B लेफ्ट साइड है एज अ रिएक्टेंट, यहाँ पर भी रिएक्टेंट की तरह यूज है, यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट, यहाँ पर भी एज अ प्रोडक्ट है। तो आपने बताया इसका मतलब K3 बराबर K1 के हो जाएगा, ठीक है, K1 के हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बताया क्या किसी संख्या से मल्टीप्लाई किया गया, आपने बताया हाँ यहाँ पर 1/n से मल्टीप्लाई किया गया है, जिस संख्या से मल्टीप्लाई करते वही क्या हो जाता है, उसकी पावर में चला जाता है, वही उसके पावर में चला जाता है। अगर हम लोग यहाँ पर एक और रिएक्शन देख लेते हैं, ध्यान से समझना, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया Nc+Nd, ये जा रहा है यहाँ पर Na+Nb का फॉर्मेशन कर रहा है, और मान लिया इसको हमने कहा K4 है, तो बताओ इसका इसके साथ क्या रिलेशन होगा, कैसे देखा जाए। सबसे पहले आपने देखा क्या ए भी यहाँ पर एज अ रिएक्टेंट है, यहाँ पर भी नहीं, आप बताओगे हमारी इस वाली रिएक्शन में तो ए और बी क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट बन चुका है, अच्छी बात है, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट था वो यहाँ पर रिएक्टेंट का काम कर रहा है, मतलब क्या रिएक्शन को पलट दी गई, पलट दिया गया, तो इसके क्या करते हैं यहाँ पर 1/K1 कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, आपने कर दिया। फिर बताया गया आपने पहली चीज़ ये देखा है, फिर दूसरा क्या किसी संख्या से मल्टीप्लाई किया गया था, आपने बताया हाँ यहाँ पर n से मल्टीप्लाई भी किया गया, पलट करके n से मल्टीप्लाई किया गया, आपने जैसे पलट करके देखा, देखा कि इसका मतलब 1/K कर दिया, फिर किसी संख्या से गुणा किया गया, जिस संख्या से गुणा किया गया वही इसकी पावर में लगा देना है, तो यहाँ पर ऐसे रिलेशन बन जाता है। समझ में आया सबको कैसे क्वेश्चन को करना है, यहाँ पर देखना है क्या रिएक्शन सेम टू सेम उसी टाइप की है, तो वहाँ पर बराबर का साइन लगाना है, ठीक है, K2 = K1 करना है। फिर क्या किसी संख्या से मल्टीप्लाई किया गया, जिससे मल्टीप्लाई किया गया है वो उसकी पावर में चला जाएगा, ठीक है। अगर रिएक्शन को पलटा गया है तुरंत क्या कर रहे हैं 1/n कर देना है यहां पर, और उसके बाद जिस संख्या से मल्टीप्लाई किया गया उसकी पावर में चला जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, अगर कोई मल्टी स्टेप रिएक्शन आपको दे दिया जाता है, मतलब कोई भी रिएक्शन एक नहीं कई स्टेप से होकर के गुजरती है, और आपसे वहाँ पर पूछा जाए जो मेन रिएक्शंस है उसके लिए अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपसे पूछा जाए तो हम लोग कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल से बात करते हैं। जैसे मान लीजिए पहले स्टेप में ए क्या करता है, बी का फॉर्मेशन करता है इक्विलिब्रियम रिएक्शन के साथ, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। फिर अगले रिएक्शन में बी सी में जाता है, ठीक है, K2 के साथ, फिर सी चला जाता है डी में K3 के साथ, और डी पहुंच जाता है ए में K4 के साथ, ठीक है। ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस है, और आपसे कहा जाए बताओ अगर हम लोग A से E आ रहे हैं, डायरेक्टली आ रहे हैं, अगर यहाँ पर मैंने कह दिया ये इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है KE है, K इक्विलिब्रियम है, बताओ इसका क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको बताया ये कैसे मिलकर बना होगा, तो आप बताओगे ये मल्टी स्टेप से मिलकर के बना हुआ है, मतलब अगर इन सारी रिएक्शंस को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, बी भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से डी कैंसिल हो जाएगा, आपको इस साइड मिलेगा केवल ए और इस साइड मिलेगा ई। तो कहने का मतलब एक चार रिएक्शन को जोड़ा गया है, जो फाइनल रिएक्शन बन रही उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा जा रहा है। तो याद रखना अगर किसी रिजल्टेंट इक्विलिब्रियम की पूछा जाए, रिजल्टेंट वाले की पूछी जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितने लोगों को आपने जोड़ा है उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, K1 × K2 × K3 × K4 हो जाता है। समझ में आया सबको, यहाँ पर ये K4 हो जाता है। तो ये चीज़ें चलती हैं यहाँ पर, जब कई रिएक्शन को आपस में जोड़ा गया है तो वहाँ पर क्या करना है हम लोग को, ठीक है, इनके मल्टीप्लीकेशन को क्या कर देना है आपस में, इन सबके जितने भी यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको जोड़ा गया है उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको फाइनल का जो वहाँ पर जो मेन रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल जाता है। चलिए यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं, अगर आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में आपको पता है, ठीक है, नॉलेज है उसकी वैल्यू के बारे में आपको पता है, तो आप क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं, क्या क्या एप्लीकेशन वहाँ पर आपको हो सकता है, मिल सकता है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर पहला स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू का अंदाजा है, ठीक है, या फिर वैल्यू आपको पता है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं आपका रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल होगा या फिर प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा। कैसे होता है यहाँ पर समझते हैं, बताइए अगर स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है, अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी की बात करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जितना ज़्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा क्या बनेगा, आपको पता है इसका मतलब वहाँ पर प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। और आपको याद रखना है जो ज़्यादा बन रहा है वो क्यों ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि वो स्टेबल होगा तभी तो ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, कोई अनस्टेबल वाला कभी ज़्यादा नहीं बनता, हमेशा कौन ज़्यादा बनता है, जिसकी स्टेबिलिटी होती है वही ज़्यादा बनता है। और आपको पता है प्रोडक्ट जितना ज़्यादा बनेगा उतना ही ज़्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी। तो वही यहाँ पर बताया गया है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी, अगर ज़्यादा वैल्यू है इसका मतलब आपका प्रोडक्ट वहाँ पर ज़्यादा है, और ज़्यादा इसलिए है क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है।
अगर ये रिएक्टेंट की बात करते हैं, रिएक्टेंट क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के इनवर्सली होता है, किसके होता है, इनवर्सली होता है। और यहाँ पर यही बताया गया, आप यहाँ पर ऐसे अगर सोचो, बताया गया इसका मतलब क्या हो जाता है, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम है उसी कंडीशन में आपको क्या मिलने वाला है, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होगा, इसका मतलब रिएक्टेंट की मात्रा ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा ये टूट नहीं रहे, अपने रिएक्टेंट फॉर्म में ही ज़्यादा बने हुए। लेकिन अगर आपको के इक्विलिब्रियम की वैल्यू ज़्यादा मिल रही है, इसका मतलब रिएक्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्या टूट के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं और किसको बना रहे हैं, प्रोडक्ट को बना रहे हैं। तो यहाँ पर आपको नॉर्मली ऐसे देखना है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट बताओ कहाँ पर ज़्यादा है, ऑर्डर अरेंज करके बताओ, तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हिसाब से आपको देखना है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी की बात होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डायरेक्टली, अगर ये रिएक्टेंट की बात होती है तो इनवर्सली हो जाता है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कहाँ पर जाना पसंद करना चाहेगी अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू का अंदाजा हो तो। तो सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ पर हम लोग वन के रिस्पेक्ट में बात करने वाले हैं। बताया अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू एक से बहुत ज़्यादा मतलब कि हम लोग कह सकते हैं 10^2 है, 10^3 है, मतलब ऐसे एक बहुत बड़ी वैल्यू है, एक बड़ी वैल्यू है तो जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम की वैल्यू बड़ी आ रही है। और आपको अभी मैंने आपको बताया इक्विलिब्रियम ज़्यादा बड़ा आएगा तो स्टेबिलिटी किसकी बढ़ेगी, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए बताया गया इक्विलिब्रियम की वैल्यू ग्रेटर देन वन है, इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज करता चला जाएगा। और आपको पता है इंक्रीज करता चला जा रहा है, इसका मतलब रिएक्शन कहां पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, फॉरवर्ड में जा रहे हैं, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा अब बताओ वो ज्यादा बनेगा और जल्दी बनेगा, इसीलिए बताया गया अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रिएक्शन कहां पर जाएगी, प्रोडक्ट कब बनता है, फॉरवर्ड में ही तो जाकर के बनता है, अब बताओ कि फेवर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, और ये चाहेगा कि कितना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाए, कितना ज्यादा से ज्यादा मात्रा किसकी बने, प्रोडक्ट की बने। फिर बात करते हैं कहीं पर अगर इक्विलिब्रियम की वैल्यू आपने सॉल्व किया क्वेश्चन वगैरह कुछ भी या फिर बता दिया वन आ जाता है, तो याद रखना केवल यही केस होता है, यही एक कंडीशन होती है जहां पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दोनों बराबर होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम की एक ऐसी अवस्था यही होती है, जब आपको इक्विलिब्रियम की वैल्यू वन मिलेगी तभी उसी कंडीशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम होती है, ठीक है। यही तो मैंने आपको बताया था शुरू में, मैंने बताया था रेट हमेशा सेम होता है इक्विलिब्रियम अवस्था पे, लेकिन प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम हो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन कब होगा ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, बताइए जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू वन होगी उसी कंडीशन में दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी, नहीं तो कोई भी कम ज्यादा हो सकता है, जैसे इक्विलिब्रियम की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो मतलब किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। और यहाँ पर बताया कि अगर इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू एक से बहुत छोटी है, लेस देन वन है, इसका मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज़्यादा, यही तो दिख रहा है आपको, ठीक है। इसकी वैल्यू बहुत 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 कम है, इसका मतलब रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी है, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब रिएक्शन फेवर टू बैकवर्ड डायरेक्शन, ये रिएक्टेंट बनाना ही ज़्यादा पसंद करेगा, जिसकी स्टेबिलिटी उसको बनाना पसंद करेगा, ठीक है। आप बताओ ये बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड फेवर टू रिएक्टेंट फॉर्मेशन, मतलब रिएक्टेंट के फॉर्मेशन को ज़्यादा बनाएगा, क्योंकि जो स्टेबल होगा उसी को बनाना पसंद करेगा, इसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। वहाँ पर अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बहुत कम है, 10^-3 है, -2 ऐसा कुछ है, आपसे पूछा बताओ रिएक्शन आपको प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा कि रिएक्टेंट मिलेगा, तो आप बताओगे इसका मतलब 10^-2 का मतलब क्या, कोई बड़ी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है, आप बताओगे वहाँ पर आपको रिएक्टेंट ज़्यादा मिलने वाला है। अगर कह दिया जाए 10^3 है, 10^3 है, प्लस में 3 है, वो तो आपको इस रिएक्शन में प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा कि रिएक्टेंट ज़्यादा मिलेगा, तो आप बताओगे आपको वहाँ पर प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा। अगर कह दिया जाए रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 है तो आपको क्या ज़्यादा मिलने वाला है, आप बताओगे कोई ज़्यादा नहीं, दोनों की मात्रा रिएक्टेंट प्रोडक्ट की सेम होने वाली है। समझ में आया इतना सबको। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ KCKP, ठीक है। KCKP का कैसे हम लोग क्या करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कैसे लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में आगे बढ़ना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कैसे लिखा जाता है, ठीक है। एक बार फिर से यहाँ पर देखते हैं, एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखने वाले कैलकुलेशन ऑफ KC की बात करते हैं। ध्यान से समझना, वहाँ पर तो मैंने आपको जो पहली बार लिख करके दिखाया है तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कैसे फॉरवर्ड के रेट बैकवर्ड के रेट यहाँ पर सेम किए जाते थे, फिर वहाँ पर रेट कांस्टेंट का रेशियो लिया गया, उनको हटाया गया, उनके यहाँ पर एक नया रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज़ किया गया। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, अब सारी चीज़ें आपको पता है। अब जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई है आपको KC का मतलब कंसंट्रेशन के टर्म में निकालना है, KP का मतलब जब प्रेशर के टर्म में इक्विलिब्रियम को निकाला जाता है, तो आप बताओगे यहाँ पर N1A N2B ये क्या करते हैं N3C और N4D को बना रहे, और ये दोनों क्या करते हैं पीछे आकर के इसको बना रहे। अगर इनके लिए कह दिया जाए KC की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा, तो आपको मैंने क्या बताया था, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आप बताओगे ये सब के सब गैसेस हैं, ठीक है, ऐसा हो जाता है। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं केसी की, तो केसी में याद रखना यहां पर क्या हो जाएगा, सी प्रोडक्ट कौन है, यहां पर सी और डी है, आपने कहा कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी, ठीक है। और आपको पता है यहां पर अगर हम बात करते हैं रिएक्टेंट कौन है, ए है और वी है, आप बताओगे ए बी, क्या ये सही है, नहीं,
यहाँ पर आपको कॉफिशियंट मिल रहा है, ठीक है, कोई गुणांक यहाँ पर मिल रहा है, जो भी वैल्यू होती है आपको पता है वो उसका मोल कहलाता है, ठीक है। रिएक्शंस में जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं उसके आगे जो नंबर लिखा जाता है, N1 N2 कोई नंबर को बता रहा है, ठीक है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। तो अब आपने इसको इतना लिख दिया, ये सही नहीं है, आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई किया गया है या फिर जो यहाँ पर इसका कॉफिशियंट है वो उसकी क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन की पावर में। जैसे सी का कॉफिशियंट कौन है, N3, आप बताओगे ये इसकी पावर में चला जाएगा, और डी का कौन है, N4 है, ये इसकी पावर में जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर एक ही बात करते हैं, अकेला ये था तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर अगर कोई वैल्यू है तुमको क्या करना है, वो उसकी पावर में चला जाएगा, यहाँ पर N1 और यहाँ पर N2। अब जाकर के आपका केसी सही से आपने इसको लिख दिया, समझ में आया सबको, ठीक है, ऐसा होता है। अब कुछ एग्जांपल्स इसको क्लियर करते हैं और अच्छे से समझते हैं। जैसे आपसे कह दिया केसी एक रिएक्शन है, यहाँ पर N2+3H2 2NH3 का फॉर्मेशन कर रहा है, केसी की वैल्यू लिखो। आप बताओ प्रोडक्ट को पहले लिखा जाता है फिर रिएक्टेंट को, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कौन है आपका, अमोनिया है, NH3। बताओ क्या कोई कॉफिशियंट है, आप बताओगे हाँ यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई है, 2 इसकी पावर में चला जाएगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाए यहाँ पर ये क्या है, आप बताओगे N2 है, N2 लिख दिया। क्या कोई गुणांक है यहाँ पर, अब बताओगे कोई नहीं है। फिर अगले की बात करते हैं H2, H2 की कंसंट्रेशन और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 है, तो ये इसकी पावर में चला जाएगा। तो अब बताओ KC बराबर आपको यहाँ पर ही मिल जाता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर बात करते हैं, ध्यान से समझना, अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर ये बताया गया कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखते हैं, प्रोडक्ट में कौन है, NH3 गैस, H2S गैस है, और रिएक्टेंट में कौन है, यहाँ पर सॉलिड है। याद रखना सॉलिड के लिए कभी यहाँ पर कंसंट्रेशन का टर्म नहीं लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है सॉलिड के लिए वैल्यू 1 हो जाती है, उसको कॉन्स्टेंट मान लिया जाता है, सॉलिड के लिए वैल्यू को मान लिया जाता है कॉन्स्टेंट और उसकी वैल्यू 1 होती है, बस इतना आपको जानना, ठीक है। अब केसी की बात करते हैं, आप यहाँ पर बताओगे NH3 का कंसंट्रेशन H2S, ठीक है, क्या उसके कोई गुणांक है, नहीं है, तो इसकी पावर में कोई नहीं जाएगा, मतलब वन है वहां पर। फिर बात करते हैं क्या इसको बटे करके इसको लिखना, नहीं लिखना है, इसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगी, तो इसको लिखने से कोई मतलब नहीं है। ऐसे यहां पर आते हैं केसी को लिखते हैं, ध्यान से समझना ये क्या है रिएक्शन, बताया ये P4 ये सॉलिड है, 5H2O ये गैस है, फिर P4O10 ये सॉलिड है। अब बताओ क्या रिएक्टेंट में कोई ऐसा टर्म है, प्रोडक्ट में कोई ऐसा टर्म है जिसको लिखा जाए, नहीं, तो इसका मतलब ये 1 हो गया, ठीक है, सॉलिड है तो इसको 1 लिख देता है। फिर बताया गया यहाँ पर कोई ऐसा है, अब बताओगे हाँ पर ये गैसेस है ऑक्सीजन, तो इसको लिख दो O2। कोई कोफिशियंट है यहाँ पर, अब बताओगे हाँ यहाँ 5 है, तो आप बताओगे ये चला जाएगा यहाँ पर इसकी पावर में। तो ऐसे केसी को यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला अगर रिएक्शन देख करके इसके फॉर्मूले को लिखना है यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं। अब बात करते हैं अगर इसकी यूनिट की बात करते हैं, ठीक है, यूनिट ऑफ केसी की यूनिट की बात करना है, बताया गया यूनिट जो इनकी होती है वो डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ ΔNg, ठीक है। ΔNg क्या हो जाता है आपको पता है, ΔNg आप बताओ कि इसका मतलब ये है मोल ऑफ किसके, प्रोडक्ट के गैसियस मोल माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल, ठीक है। आप ये घटा दोगे जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, ΔNg की वैल्यू होगी, गैस की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर ΔNg का मतलब केवल गैसियस मोल की बात किया जा रहा है, इसके अलावा किसी की बात नहीं किया जा रहा है, तो ध्यान देना यहाँ पर, तो यहाँ पर ΔNg, और बताइए यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर केसी, सी का मतलब क्या होता है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की यूनिट की बात करते हैं क्या होता है मोल पर लीटर, यही तो होता है, ठीक है, मोल पर लीटर हो जाता है। तो आप बताओ कि मोल पर लीटर की पावर ΔNg कर देना, और एनजी की जो वैल्यू आएगी वह डिसाइड कर देगा यहाँ पर मोल की कितनी पावर होगी, लीटर की कितनी पावर होगी, क्या वहाँ पर फॉर्मूला बनने वाला है, वहाँ पर यूनिट क्या बनने वाली है। या फिर आपको मोल पर लीटर नहीं, डायरेक्ट कंसंट्रेशन के ही टर्म में यूनिट पूछ लिया जाता है कभी कभार, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कंसंट्रेशन की पावर ΔNg हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग यहाँ पर, एग्जाम्पल तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, PCl5 डिसोसिएट होता है PCl3 और ClO2 में चला जाता है, और आपसे पूछा गया इस रिएक्शन की क्या आप वहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट लिख सकते हैं, आपने कहा हमें फॉर्मूला पता है, लिख लेते हैं यहाँ पर यूनिट ऑफ केसी। तो आपको क्या पता था, आप बताओगे मोल पर लीटर लिखना है, यहाँ पर सबसे पहले लिख दिया मोल पर लीटर। अब बताओ इसके ΔNg की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, ΔNg क्या हो जाता था आप बताओगे, प्रोडक्ट के गैसियस मोल कितने हैं, 1 मोल ये हुआ गैसियस मोल, प्रोडक्ट में एक ये हुआ, टोटल 2 हो गए, माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल कितने हैं, PCl5 एक ही था है, यहाँ पर आपने 1 कर दिया, अब बताओगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाता, ΔNg की वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो यहाँ पर 1 रख दिया, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा आप बताओगे, मोल पर लीटर ही तो हो गया, ठीक है। अगर ये कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो आप बताओगे कंसंट्रेशन की पावर 1, इसका मतलब यहाँ पर कंसंट्रेशन ही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसके यूनिट को निकालते हैं, ऐसे हम उसके फॉर्मूले को सेट करते हैं, समझ में आया केसी के बारे में आपको। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ KP,
ठीक है, जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई है एन टू ए प्लस एन टू बी एन थ्री सी प्लस एन फोर डी बना रहे हैं। ठीक है, आपसे पूछा कि इसके लिए क्या के पी आप लिख सकते हैं, तो एक सिंपल सा जैसे आपने के सी को लिखा, ठीक है, वैसे यहाँ पर के पी को भी लिखना है। तो आप बताओगे के पी बराबर क्या हो जाएगा, वहाँ पर कंसंट्रेशन का टर्म चलता था ना, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर का चलेगा। किसका चलता है वहाँ पर? पार्शियल प्रेशर, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर पूरा एक बीकर होगा, उस बीकर के अंदर ये भी गैस होगी, ये भी गैस होगी, ये भी गैस और ये भी गैस होगी। ठीक है, जब एक बीकर में बहुत सारे गैसेज होते हैं तो वहाँ पर हम लोग कौन सा टर्म यूज़ करते हैं? पार्शियल प्रेशर का टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, आप बताओगे यहाँ पर इसको भी सेम उसी की तरह लिखा जाता है, बस कंसंट्रेशन जहां था वहां पर प्रेशर आ जाएगा। अब बताओगे सी का वहां पर केसी होता तो हम लोग कहते कंसंट्रेशन ऑफ सी, लेकिन यहां पर क्या कहते हैं? प्रेशर ऑफ, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, ठीक है, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी अपॉन, फिर यहां पर क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। फिर बात करते हैं क्या सच में ये सही है? नहीं, अभी ये सही नहीं है। आपको क्या करना है यहां पर ध्यान से समझना, ठीक है, पार्शियल प्रेशर का टर्म तो लिखना ये तो जरूरी था, लेकिन यहाँ पर आपको कोई कॉफिशियंट दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो कॉफिशियंट है वो उसकी पावर की क्या हो जाएगा, अब तो प्रेशर की पावर में चला जाएगा। जैसे सी का कॉफिशियंट था एन थ्री, तो यहाँ पर ये इसकी पावर में चला जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर एन थ्री। ऐसे डी का कॉफिशियंट था एन फोर, आप बताओगे पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर एन फोर। ऐसे पी ए की बात करते हैं, यहाँ पर बताओगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर एन वन, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर एन टू। ठीक है, ऐसे हम लोग को यहाँ पर करना है, तब जाकर का आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये सही फॉर्मूला यहाँ पर आपने लिखा इसका। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जैसे एक दो रिएक्शंस को देख लेते हैं। यहाँ पर PCl5 टूट रहा था PCl3 और CL2 में, आपसे पूछा जाए KP का फॉर्मूला लिख सकते हो क्या? आप बताओगे हाँ लिख सकते हैं। पार्शियल प्रेशर क्या किसका? PCl3 का इनटू किसका? पार्शियल प्रेशर किसका? CL2 का अपान, आप बताओगे किसका? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 हो गया। कोई कॉफिशियंट होता तो पावर में जाता, कोई है नहीं, मतलब वन है, वन पावर में है ये इसके। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग NH4HS की, ध्यान देना यहाँ पर ये क्या है? सॉलिड, और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? पार्शियल प्रेशर कौन डेवलप करेगा? गैस ही तो वहाँ पर प्रेशर डेवलप करेगा। तो अब बताओगे यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले? सॉलिड के लिए नहीं लिखा जाएगा, केवल और केवल ये किसके लिए लिखा जाएगा? जो गैसेज होते हैं। तो के पी बराबर क्या हो जाएगा? अब बताओगे प्रोडक्ट में दो गैसेज फॉर्म दिख रहे हैं, तो पार्शियल प्रेशर किसका? NH3 का इनटू पार्शियल प्रेशर किसका? H2S का। कोई वैल्यू नहीं यहाँ पर, मतलब कि वन है, तो बताओ कि यहाँ पर पावर वन ही है। ठीक है, ये हो जाता है, यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है। फिर बात करते हैं यूनिट को कैसे निकाला जाए, अगर कभी कोई रिएक्शन दे दी जाए और आपसे कह दिया जाए कि वहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, यूनिट बताओ प्रेशर के टर्म में वहाँ पर आपसे दिया जाए, तो आपको क्या करना है? यूनिट ऑफ केपी एक सिंपल सा हो जाता है एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, एटीएम की पावर डेल्टा एन जी, यहाँ पर भी डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? डेल्टा एन जी आपका यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इस रिएक्शन के लिए कहा गया भैया यहाँ पर यूनिट ऑफ केपी बता दो, तो आपको क्या करना था? अपने काम को पता है एटीएम की पावर क्या करना है? डेल्टा एन जी। अब बताओ डेल्टा एन जी होता क्या है यहाँ पर? अब बताओ कि डेल्टा एन जी बराबर प्रोडक्ट के मोल, प्रोडक्ट के कितने गैसीय मोल है? दो, एक एक दो, माइनस रिएक्टेंट के कितने हैं? क्या कोई गैस ऐसे नहीं है? अब बताओ कि जीरो हो जाएगा, ओवरऑल यहाँ पर वैल्यू टू आ जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यूनिट एटीएम की पावर टू हो जाता है। तो सिंपल सा यहाँ पर था कैसे केसी और केपी को लिखा जाता है, कैसे उसकी यूनिट को लिखा जाता है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। अगर केपी और केसी के बीच में रिलेशन बनाना चाहते हैं तो कैसे रिलेशन बन जाता है, थोड़ा सा डेरिवेशन देख लेते हैं, नहीं तो फॉर्मूला तो लगभग सब लोग यहाँ पर जानते ही हैं। बात करते हैं एन वन ए प्लस एन टू बी एन थ्री सी प्लस एन फोर डी का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर केसी लिखने का तरीका तो बहुत बार लोग देख चुके हैं, और केपी लिखने का भी तरीका ये हो जाएगा, केसी बराबर कंसंट्रेशन सी की पावर एन थ्री इंटू कंसंट्रेशन डी की पावर एन फोर, ऐसे यहाँ पर ए की पावर एन वन और बी की पावर एन टू। और यहाँ पर बात करते हैं पी सी की पावर N3 और PD की पावर N4, PA की पावर N1 into PV की पावर N2। ठीक है, प्रेशर के टर्म में लिखा है यहाँ पर। अब आपको बताया यहाँ पर एक आइडियल गैस इक्वेशन चलता है PB बराबर nRT। ठीक है, यहाँ पर ये मोल है, यहाँ पर ये वॉल्यूम है, अगर मोल को क्या किया वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो आपको पता है इसी को कहा जाता है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन के लिए हम लोग चाहे सी लिखें या फिर यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट की तरह इसको दिखा दें यहाँ पर। तो बताया कि अगर हम लोग बात करते हैं किसी, मान लिया यहाँ पर प्रेशर का आपको कंसंट्रेशन के साथ रिलेशन मिल गया पी बराबर सी आर टी, ठीक है, या फिर कंसंट्रेशन इंटू आर टी, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जो भी प्रेशर का टर्म यहाँ पर यूज किया गया पार्शियल प्रेशर ऑफ सी बराबर क्या लिख सकते हैं? कंसंट्रेशन सी इंटू आर टी। पार्शियल प्रेशर डी बराबर क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ डी इनटू आरटी। ऐसे ए के लिए कंसंट्रेशन ए आरटी, बी के लिए पार्शियल प्रेशर बी आरटी हो जाता है। ठीक है, ये हुआ, हमने ये बना लिया। अब इसके फॉर्मूले को देखते हैं, इसके फॉर्मूले में जहां पर पी सी पी डी पी ए पी बी लिखा गया है, मतलब ये सारी चीजें इसको उठा करके वहां पर पुट कर देते हैं।
पुट कर दिया तो यहाँ पर ये बन जाता है कंसंट्रेशन सी आर टी की पावर होल का एन थ्री हो जाएगा और डी आर टी की पावर एन फोर, ए आर टी की पावर एन वन और बी आर टी की पावर एन टू हो जाता है। अब यहाँ पर देखो ये होल सबके पूरे के ऊपर है ना, तो ये N3 पावर इस C के ऊपर भी होगा, RT के ऊपर भी होगा, ऐसे इन सब के ऊपर होगा। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, जो कंसंट्रेशन वाले टर्म है उनकी पावर को क्या करते हैं, अलग लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग कंसंट्रेशन C की पावर N3 इंटू कंसंट्रेशन D की पावर N4 अपॉन कंसंट्रेशन A की पावर N1 इंटू कंसंट्रेशन B की पावर N2। अच्छा RT ऊपर भी है और RT नीचे भी है, तो यहाँ पर ओवरऑल जिसको लोग यहाँ पर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, RT की पावर ऊपर वाले को आपस में जोड़ लिया N3 माइनस N4, और नीचे वाले को भी आपस में जोड़ करके ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा N1 प्लस N2, ठीक है, ये इससे घट जाएगा। तो यहाँ पर यह आ जाता है फॉर्मूला। ओवरऑल यहाँ पर आपको बताए ये पूरा टर्म, ये आपको अगर यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे, ठीक है, ये क्या हो जाता है आप बताओगे, ये तो यही तो है केसी, तो इन सबको हटा करके हमने यहाँ पर केसी लिख दिया। और जो फॉर्मूला आपको याद रखना था सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है, डेरिवेशन कोई मायने नहीं रखता है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो केसी केपी बराबर क्या हो जाएगा, केसी आरटी की पावर डेल्टा एनर्जी, केपी बराबर केसी आरटी की पावर डेल्टा एनर्जी, ये रिलेशन होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं, रिलेशन को कैसे बनाया गया है यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एन टू प्लस थ्री एच टू क्या करता है, टू एन एच थ्री का फॉर्मेशन करता है, और हमसे यहाँ पर कह दिया जाए के पी के सी का रिलेशन बताओ, तो के पी बराबर आप बताओगे के सी, और यहाँ पर कौन रिलेशन में कौन है फैक्टर आप बताओगे डेल्टा एनर्जी। बताओ डेल्टा एनर्जी क्या आ जाएगा इसके लिए, यहाँ पर देखते हैं डेल्टा एनर्जी बराबर आप बताओगे यहाँ पर प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, दो, दो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा रिएक्टेंट के मोल कितने हैं, तीन एक चार, तो आप बताओगे ओवरऑल यहाँ पर कितना आ जाता है माइनस टू, कितना आ गया माइनस टू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस टू। तो इनके बीच में ये रिलेशन आ जाता है, के पी बराबर के सी आर टी की पावर माइनस टू आ जाता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग अगर इस रिएक्शन की बात करते हैं, यहाँ पर के पी बराबर आप बताओगे के सी, और यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर कौन है यहाँ पर रिलेशन का आप बताओगे आर टी। देख लेते हैं पावर यहाँ पर डेल्टा एनर्जी निकाल करके, अब डेल्टा एनर्जी की बात करते हो यहाँ पर हो जाएगा प्रोडक्ट कितने वन मोल है माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा वन प्लस वन वन बाई टू, कितना हो जाएगा आप बताओगे यहाँ पर, आप बताओगे यहाँ पर थ्री बाई टू हो जाएगा, ठीक है, एक में से थ्री बाई टू का मतलब डेढ़ घटाएंगे तो यहाँ पर ओवरऑल क्या हो जाएगा आपको पता चल रहा है यहाँ पर वन बाई टू ही आ जाएगा, ठीक है, तो आप बताओगे और वो भी माइनस में आएगा, किस में आएगा माइनस में आएगा, तो ओवरऑल यहाँ पर पावर कितनी आ जाएगी वन बाई टू, वो भी माइनस साइन के साथ आएगा, ठीक है। आपको इसको ऐसे भी फॉर्म में लिखा मिल सकता है के पी बराबर के सी। अच्छा आपको पता है आर टी किसी की पावर हाफ होने का मतलब वो रूट में चला जाता है, और अगर माइनस हाफ है मतलब क्या हो जाएगा रूट में जाएगा, ओवरऑल वो नीचे भी चला जाएगा बटे में, आपको ऐसे भी मिल सकता है वो आर टी, ठीक है, ऐसा भी वो आपको वहाँ पर मिल सकता है। समझ में आया सबको। चलिए यहाँ पर बात करते हैं डिटेल एनालिसिस ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, आपको क्या पता चल जाएगा इससे इन्फॉर्मेशन अगर कोई रिएक्शन के बारे में नॉलेज है। रिलेशन आपको केपी और केसी का ये पता है, केपी बराबर केसी आर टी पावर डेल्टा एनर्जी होता है। अब यहाँ पर सब कुछ डिसाइड कर रहा था कौन, एनर्जी, डेल्टा एनर्जी, और यहाँ पर इसी पे हम लोग यहाँ पर इसको क्लासिफाई करने वाले बताए, अगर डेल्टा एनर्जी की वैल्यू कभी जीरो से ज़्यादा आ जाए, ठीक है, डेल्टा एनर्जी की वैल्यू आपने देखा और निकालने का तरीका प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल गैसियस वाले, ठीक है, यहाँ पर डेल्टा एनर्जी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हुआ तो याद रखना वहाँ पर हमेशा के पी क्या हो जाएगा केसी से ज़्यादा, जाहिर सी बात यहाँ पर एक कोई प्लस वाली वैल्यू होगी तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब ये बड़ी सी वैल्यू बनेगी। तो ये होता है डेल्टा एनर्जी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो के पी इज ग्रेटर देन केसी हो जाएगा, लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए डेल्टा एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है वहाँ पर लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो का मतलब माइनस में होगा, माइनस का मतलब इसको हम लोग नीचे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर बताया जाएगा क्या हो जाएगा उस समय केसी बड़ा हो जाएगा और केपी छोटा हो जाता है। और कभी ऐसा आ जाए दोनों की वैल्यू या फिर कैसे डेल्टा एनजी की वैल्यू मिला जुला करके जीरो हो गई तो इसका मतलब अब क्या हो जाएगा ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, और आपको पता है जिसकी पावर जीरो हो गई इसका मतलब वो टर्म कितना हो गया वन, तो केपी बराबर किसके आ जाएगा केसी के आ जाता है। तो ये रिलेशन भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आपको हो सकता है वहाँ पर ऐसा रिलेशन पूछ लिया जाए तो वहाँ पर भले कोई कहानी लिखा जाए, ठीक है, केपी केसी में रिलेशन लिखना है तो आपको बस वहाँ पर डेल्टा एनजी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, आप वहाँ पर बता सकते हैं कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। चलिए यहाँ पर एक नया टर्म लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं, रिएक्शन क्वोशेंट, जिसको मास एक्शन रेशियो से भी कहा जाता है और इसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्शन क्वोशेंट जिसको लोग मास एक्शन रेशियो या फिर का बात करते हैं यहाँ पर इसको क्यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बताएगा इसको क्या होता है यहाँ पर कैसे किसी भी रिएक्शन के लिए बताएगा, अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है उसका रिएक्शन क्वोशेंट लिखा जा सकता है। और आपको पता है रिएक्शन क्वोशेंट की बात करते हैं जैसे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखते थे बस वही चीज़ यहाँ पर भी
बस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, जब केसी केपी को हम लोग लिखते थे वो कब लिखते थे, जब फॉरवर्ड का रेट बैकवर्ड का रेट क्या हो जाता था, इक्वल हो जाता था, उस समय हम लोग क्या लिखते थे, केसी केपी को लिखा करते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। सेम उसी की तरह इसको भी लिखना है, लेकिन ये बताता है, कहा गया कि इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, चाहे वहां पर फॉरवर्ड का रेट बैकवर्ड से ज्यादा ही क्यों ना हो जाए, चाहे वहां पर बैकवर्ड का रेट फॉरवर्ड से ज्यादा क्यों ना हो जाए, या फिर फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के रेट बराबर ही क्यों ना हो जाए, कोई भी कंडीशन दे दो। ये रिएक्शन क्वेश्चन कहता है कि आप कोई भी कंडीशन दे दो, मैं सबकी वहां पर क्यू की वैल्यू निकाल दूंगा, ठीक है। लेकिन वहां पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कहां पर मिलती थी, आप बताओगे, जब वो कहां पर हो, वहां पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड के रेट दोनों के सेम होते, उसी कंडीशन में निकलता था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, लेकिन यहां पर कोई भी रेट हो सकता है। चलिए यहां पर बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम, सॉरी यहां पर रिएक्शन क्वेश्चन, क्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बताइए। सबसे पहले कंडीशन सिमिलर लाइक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सिमिलर उसी की तरह होता है, सब आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। केपी और केसी जैसे निकालते तो वैसे यहां पर भी निकाला जाएगा। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर N1A plus N2B, N3C plus N4D है, इसके लिए अगर हमसे पूछा जाए क्यू की वैल्यू निकाल के दिखाओ, क्यू की वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो आप कैसे लिखोगे, यहां पर सेम उसी की तरह आप बताओगे कंसंट्रेशन सी की पावर N3 इंटू कंसंट्रेशन डी की पावर N4 अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बताओ कंसंट्रेशन ए की पावर क्या, N1 इंटू कंसंट्रेशन बी की पावर क्या, N2, ठीक है। कंसंट्रेशन के टर्म में लिख दिया, आप प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हो, जैसे इसको लिखा जाता सेम वही है, ठीक है, वैसे इसको भी लिख दिया जाता है, जैसे उसको लिखते थे, देखो सेम टू सेम यहाँ पर लिखा कि नहीं लिखा, ठीक है। हम लोग सी यहाँ पर लिख सकते हैं QC, ऐसे लिख दिया जाता है, क्योंकि हम कंसंट्रेशन के टर्म में। अब यहाँ प्रेशर की पावर, पार्शियल प्रेशर सी की पावर N3, पार्शियल प्रेशर डी की पावर N4 ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पर पी लिख देते हैं, केपी के टर्म में लिख रहे थे। अब यहाँ पर जैसे एक रिएक्शन दी गई N2+3H2 2NH3 का फॉर्मेशन करता है, इसका अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ क्या लिख सकते हो यहाँ पर केसी की वैल्यू, तो आप बताओगे हाँ लिख सकते हैं, क्या करने वाले आप बताओगे NH3 की पावर क्या हो जाएगी, 2 अपान यहाँ पर 2 है, आप बताओगे कंसंट्रेशन ऑफ N2, ठीक है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी। तो ऐसे ही सेम लिखना है, वहाँ पर कुछ नई चीज़ नहीं है कि आपको दिक्कत होगी यहाँ पर लिखने में, बस ये होता है कि ये किसी भी रेट पे है। जब इसको लिखते थे तो ये एक चीज़ मान लिया जाता था ये इक्विलिब्रियम अवस्था है, यहाँ पर दोनों के रेट सेम है, लेकिन ये अगर इसको लिखते हैं मतलब वो कोई भी अवस्था वहाँ पर हो सकती है। चलिए अब यहाँ पर इसको देखते हैं, इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। अब बताइए, चलो यहाँ पर इसको सीखे हैं, ठीक है, यहाँ पर पता चला, अगर आपको क्यू और के इक्विलिब्रियम दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी जाए कि आप बता सकते हैं आपकी रिएक्शन कहाँ पर जा रही है, फॉरवर्ड में जा रही है कि बैकवर्ड में जा रही है, या फिर क्या हो जाता है दोनों का रेट सेम है, ठीक है, किसका रेट ज़्यादा होने वाला है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, अगर क्यू के बारे में आपको नॉलेज है, क्यू और के इक्विलिब्रियम के बारे में, तो आप वहाँ पर आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक था हाउ टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ क्यू एंड के इक्विलिब्रियम। तो केस फर्स्ट यहाँ पर कह रहा है, अगर आपको कुछ ऐसा मिलता है, ध्यान से समझना, इफ क्यू इज ग्रेटर देन के, तो इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है, आपको एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, आप ऐसा याद रखो, क्यू हमेशा के इक्विलिब्रियम के बराबर होना चाहेगा, ठीक है, ध्यान में आपको एक लाइन याद रखनी है, जो रिएक्शन क्वेश्चन है वो चाहता है मैं के इक्विलिब्रियम बन जाऊँ, ठीक है, के इक्विलिब्रियम बनने की कोशिश करेगा, तो आपको ये याद रखना है। और मान लिया यहाँ पर कोई रिएक्शन ए प्लस बी, यहाँ पर ये सी प्लस डी है, और इसके लिए अगर हमने यहाँ पर क्यू की वैल्यू लिख दिया, तो आप बताओगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर डी यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक, ऐसी कोई रिएक्शन है, ठीक है, तो आपका टारगेट समझ में आया। अगर वो बात आपको समझ में आती है तो चीज़ें सिंपल हो जाएंगी। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस पर, क्यू हमेशा के इक्विलिब्रियम के बराबर होना चाहता है। अब आपको यहाँ पर देखना है, आपको वैल्यू मिल गई, ठीक है, आपको वैल्यू मिल गई, जहाँ पर आपको पता चला कि क्यू की वैल्यू ज़्यादा है, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कम है, तब बताओ क्यू क्या करना चाहेगा। अब क्यू ये चाहेगा कि मेरी वैल्यू ज़्यादा है, और ये किसके बराबर होना चाहता है, इक्विलिब्रियम के, ठीक है, तो ये चाहेगा कि अब क्या किसके बराबर होना है, तो क्या किया जाए, अपनी वैल्यू को घटाया जाए। और आपको बताया अगर इसकी वैल्यू घटेगी, ठीक है, जैसे अगर क्यू की वैल्यू को घटाना है तो क्या करना पड़ेगा, आप खुद सोच लो, यहाँ पर घटाना है तो क्यू तुरंत यहाँ पर, जैसे क्यू की वैल्यू के इक्विलिब्रियम से ज़्यादा हुआ तो क्यू ने कहा मुझे अपने आप को घटाना पड़ेगा, क्यू हैव टू डिक्रीज, क्यू क्या करेगा, अपने आप को घटाने की कोशिश करेगा, और कैसे घटाएगा आप खुद सोचो। आपको बताया इसको घटाना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू को अगर बढ़ा दिया जाए, ये
ए और बी की कंसंट्रेशन, मतलब कि क्या समझ में आ रहा है आपको, रिएक्शन को पीछे की तरफ घुमा दो, ठीक है, रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाओगे तभी क्यू की वैल्यू आपको कम मिलने वाली है, क्योंकि क्यू अपने आप को गिराएगा, और कैसे गिरा सकता है, अगर ये फॉरवर्ड में जाएगा वैल्यू रिएक्शन, तो आपको पता है यहाँ पर इन दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन क्यू को अपने आप को घटाना है तो ये क्या करेगा, कहेगा इसको मत बढ़ाओ, ठीक है, इनको बढ़ा दो, इनको बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू की वैल्यू घटेगी, और ये कब बढ़ेगा, जब रिएक्शन पीछे की तरफ भागेगी, वही यहाँ पर बताया गया, रिएक्शन शिफ्टेड टू बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब क्या हो जाता है, ये लेफ्ट साइड है वो राइट साइड है, लेफ्ट साइड की तरफ भागेगा, रिएक्शन काफ़ी तेज लेफ्ट साइड की तरफ भागेगा। अगर आपसे पूछा जाए किसका रेट ज़्यादा होगा, अब बताओ रिएक्शन पीछे की तरफ भाग रही तो कौन सा रेट ज़्यादा होगा, पीछे वाला रेट ज़्यादा होगा, अब बताओगे रेट ऑफ बैकवर्ड इज ग्रेटर देन रेट ऑफ फॉरवर्ड, तो बैकवर्ड का रेट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर केस नंबर सेकंड, कहा गया अगर इसमें आपको ये मिल रहा है कि क्यू इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है और क्यू की वैल्यू कम है, मतलब ये पीछे रह गया, ये पीछे रह गया तो ये क्या करेगा इसके बराबर होने के लिए, दौड़ेगा, कहाँ पर दौड़ेगा, आगे की तरफ दौड़ेगा, तभी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। आपको बताइए इसकी वैल्यू कम होगी, मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट, ये हमेशा इसके बराबर होना चाहता है, पता चला इस बार तो पीछे रह गया, पीछे छूट गया तो क्या करेगा, दौड़ के जाएगा और क्या करेगा, इक्विलिब्रियम के बराबर होने की कोशिश करेगा। दौड़ के जाने का मतलब क्या, इस बार ये अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहता है, आप खुद सोचो अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ा सकता है, अब बताओगे अगर ये ऊपर वाली वैल्यू बढ़ जाए तो बढ़ जाएगा, और ऊपर वाली वैल्यू कैसे बढ़ जाएगी, जब रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन भेजा जाएगा तभी तो इनकी वैल्यू बढ़ेगी ऊपर वाले की। तो आप बताओगे कि यू हैव टू इंक्रीज, जैसे इसकी वैल्यू घटी तो ये चाहेगा बढ़ाना है, अपने आप को बढ़ाएगा कैसे, रिएक्शन शिफ्टेड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि राइट हैंड साइड रिएक्शन को काफी तेजी के साथ लेके भागेगा आगे की तरफ, और आप बताओगे जब आगे की तरफ जाएगा तो किसका रेट ज्यादा हो जाएगा, फॉरवर्ड का रेट ज्यादा होगा, बैकवर्ड का कम हो जाता है। अच्छा तीसरे केस की बात करते हैं, कहा गया अगर Q और K दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल आ जाते हैं, और इक्वल आने का मतलब वहाँ पर क्या हो जाता है, वो कहाँ पर है, अब बताओगे इक्विलिब्रियम पर है। अब आपको पता है यही तो चाहता था Q, क्या चाहता था, K के बराबर होना चाहता था, अब जब बराबर हो गया तो क्या करेगा, अपनी वैल्यू को घटाएगा कि बढ़ाएगा, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जो इसका टारगेट था वो पूरा हुआ है इस केस में, तो आप बताओगे ना तो बढ़ाएगा ना तो घटाएगा, नो शिफ्टिंग, अगर कोई भी शिफ्टिंग यहाँ पर नहीं होगी, और रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम स्टेज, इसका मतलब वो रासायनिक साम्यावस्था में है, और आपसे पूछा जाए कि इक्विलिब्रियम बराबर ये है तो इसका मतलब चाहे इसके जहाँ पर आप के इक्विलिब्रियम को भी लिख सकते हो। समझ में आया इस पर क्वेश्चन पूछा गया। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, जिसको डेल्टा जेनॉट बात करते हैं यहाँ पर, और इक्विलिब्रियम, इन दोनों के बीच में रिलेशन हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर डेल्टा जेनॉट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मान लिया यहाँ पर कोई भी रिएक्शन लिख दी गई है यहाँ पर, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर डेल्टा जी का डेल्टा जेनॉट के साथ क्या फॉर्मूला बनता है, बताया गया डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जेनॉट आर टी एल एन क्यू, क्यू यहाँ पर क्या है जो भी सीख के आ रहे हम लोग, क्या रिएक्शन कोएफिशिएंट है। आपको पता है यहाँ पर एल एन का टर्म हटाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाता है 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और लॉग में चला जाता है वैल्यू। तो यहाँ पर अगर लॉग के साथ देखते हैं तो यहाँ पर डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 क्यू, ये आप चाहे ये याद करो चाहे ये याद रखो, ठीक है ये हो जाता है। अब बात करते हैं जैसे ही हम यहाँ पर बात कहते हैं कि एट इक्विलिब्रियम, और एक एट इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाता है, आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। जैसे मैंने कहा एट इक्विलिब्रियम तुरंत डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, डेल्टा जी जीरो होता है डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं होता है, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम पर कौन जीरो हो जाता है, बताओगे डेल्टा जी जीरो हो जाता है, और क्यू बराबर किसके हो जाता है के इक्विलिब्रियम, मतलब जो यहाँ पर क्यू चल रहा था अब चाहे तो हम यहाँ पर के इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं। अब बताओगे ये टर्म जीरो हो गया तो डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा माइनस आर टी एल एन क्यू के इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने के इक्विलिब्रियम लिख दिया, ठीक है ऐसा हुआ। और इसे यहाँ पर बात करते हैं सेम वही है, यहाँ पर क्या हो जाता है जैसे इक्विलिब्रियम की बात करते हैं डेल्टा जी की वैल्यू जीरो हो गई और के इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है और क्यू बराबर हो जाता है। तो आपने क्या किया, इसका मतलब डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम आ जाता है। जैसे इस रिएक्शन के लिए हमसे कहा जाए लिख करके बताओ, तो यहाँ पर अगर हम डेल्टा जी नॉट बराबर कहेंगे माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आप लिख सकते हो, इसके लिए आप बताओगे हाँ क्या हो जाएगा NH3 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंटू H2S। बात करते हैं क्या रिएक्टेंट में कोई लिखने लायक है, कोई नहीं है, यहाँ पर ये सॉलिड है तो ये हो जाएगा आपका। यहाँ पर अगर इस टर्म में हम लोग लिखना चाहते हैं इसके लिए तो यहाँ पर डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 और यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है अगर इसी के लिए लिखना चाहते हैं आप बताओगे यहाँ पर NH3 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा H2S हो गया यहाँ पर, ठीक है ऐसे लिख दिया जा सकता है वहाँ पर। तो कहने का मतलब इसको हम लोग यहाँ पर रिलेशन बना सकते हैं कैसे यहाँ पर आ जाता है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं आगे, ठीक है यहाँ पर हम लोग बात करते हैं
कहा गया है यहाँ पर अगर हम लोग बात करें डेल्टा जी नॉट बराबर -2.303 आरटी लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है। अगर यहाँ से हमसे लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम की वैल्यू पूछी जाए या फिर कैसे, तो आप बताओगे लॉग बेस 10 को रखते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, तो बताओगे ये बटे में चला जाएगा, माइनस डेल्टा जी नॉट आरटी आ जाता है। ठीक है, ये आ जाता है यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट केसेस की बात करते हैं। अभी फॉर्मूला जो याद किया था हमने डेल्टा जी नॉट बराबर -2.303 आरटी लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम, ये तो भी हम लोग यहाँ पर पूरा देख के आ रहे हैं, डिराइव करके आ रहे हैं। लेकिन एक फॉर्मूला और चलता है जो कि हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ के आए थे। मैंने बताया था जब स्पॉन्टेनिटी की बात आती थी डेल्टा जी नॉट बराबर क्या हो जाता था, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट हो जाता था। तो ये भी तो वही फॉर्मूला, ये भी तो वही फॉर्मूला है। ठीक है, इसका मतलब इससे जो वैल्यू आएगी उससे भी वही आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या किया गया, हम लोगों ने क्या किया, डेल्टा जी की जहाँ पर हमने इसको पुट कर दिया, तो अब यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट बराबर -2.303 आरटी लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम यहाँ पर बन जाता है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम की वैल्यू अगर यहाँ पर बात करते हैं हम लोग इस टर्म में, तो आप क्या बताओगे, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 माइनस में है, ठीक है, आरटी ये हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, फॉर्मूला यही सेम टू सेम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और आपको क्या करना था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये वाला भी टर्म आपको लेके आना है यहाँ पर, ये तो है यहाँ पर ना 2.303 आरटी आ जाएगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पर यही वाला टर्म है डेल्टा जी नॉट की जहाँ पर मैंने क्या रख दिया, अब बताओगे डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस रख दिया जाता है। इस पे वहाँ पर पूछा, क्वेश्चन पूछा गया था, जेई मेंस में पूछा गया था। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको डेल्टा जी नॉट का और के इक्विलिब्रियम का इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, जितना चीज़ें अभी हम लोग यहाँ पर जितनी चीज़ें सीख के आए हैं उनका यहाँ पर एनालिसिस करते हैं, किसी भी रिएक्शंस की बात करते हैं। अभी आपको पता चला डेल्टा जी नॉट बराबर -2.303 आरटी लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम होता है, और डेल्टा जी नॉट का, ठीक है, डेल्टा जी नॉट का एक और रिलेशन चलता है डेल्टा जी नॉट बराबर -NE0F। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पर -NE0F चलता है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर बात करते हैं, अब रिलेशन यहाँ पर देखा जाएगा। अगर पहली बात यहाँ पर आती है इफ़ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 1, अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू को 1 कर दिया जाए, आप खुद देखो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू 1 कर दिया जाए लॉग 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, पूरा टर्म हो जाएगा 0, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। आप बताओगे यहाँ पर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू 0 आ गई। अब बताओ अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू को 0 करना है यहाँ, वही तो ये भी है डेल्टा जी नॉट की वैल्यू को 0 करना है, तो ई नॉट जो यहाँ पर लिखा गया उसमें क्या किया जाए, कैसे क्या किया जाए यहाँ पर कि ये ओवरऑल 0 आ जाए, क्योंकि आपको पता है डेल्टा जी नॉट की वैल्यू 0 ही होगी, तो ई सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आप बताओगे ई सेल की वैल्यू भी 0 होगी, तभी तो पूरा टर्म वहाँ पर मल्टीप्लाई होकर के 0 आएगा, तो ई नॉट सेल की वैल्यू भी 0 होगी। चलिए यहाँ पर बात करते हैं, अगर बताया कि के इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन 1, एक से ज़्यादा मतलब प्लस में वैल्यू है, आप ऐसा मान के चलो, अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा है तो इसका मतलब वैल्यू प्लस में, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ओवरऑल डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में, माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट इज क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। अच्छा बताओ इसकी वैल्यू को लेस देन 0 का मतलब माइनस में बनी रहे, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू माइनस में ही बनी रहे, तो ई नॉट सेल की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, क्या माइनस होना पड़ेगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, क्या होना पड़ेगा, प्लस, क्योंकि प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ई सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से ज्यादा होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए, तभी इसकी वैल्यू माइनस में आएगी। चलिए यहां पर लास्ट केस देखते हैं, बताएगा अरे के इक्विलिब्रियम की वैल्यू लेस देन 1 है, एक से कम है, एक से कम का मतलब आप माइनस समझो, माइनस हो जाएगा, और यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आप बताओगे ओवरऑल इसकी वैल्यू किस में आने वाली, प्लस साइन में आएगी, मतलब डेल्टा जी नॉट इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अच्छा बताओ इसकी वैल्यू को प्लस में लाना है, अब इससे देखो रिलेशन, इसकी वैल्यू यहां पर प्लस में आनी चाहिए, तो ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि यहां पर प्लस आ जाए, आप बताओ अगर इसकी वैल्यू प्लस में होगी तो प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा, हमको प्लस लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को माइनस में लाओ, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा, इसलिए ई नॉट सेल की वैल्यू किस में रखी गई, माइनस में। तो ये रिलेशन पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये भी आपको यहां पर याद रखना है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं केपी और केसी का कैलकुलेशन। ठीक है, अभी तक हम लोग इसके फॉर्मूले को कैसे लिखा जाता है इन सब के बारे में सीखे थे, अब यहाँ पर अगर इसके बारे में कोई एक रिएक्शन दे दी जाए, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए कि इनिशियल में इसके इतने मोल लेकर के चलते हैं, ये इतना टूट जाता है, तो आपसे पूछा जाएगा इसके केसी की वैल्यू बताओ, इसके केपी की वैल्यू बताओ, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, और आपको पता है इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप एकदम बहुत ही क्लियरली इसको समझ लो अच्छे से। ठीक है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दो पार्ट में इसको बांट देते हैं, यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये हमारा हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ केसी, और यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ केपी की बात करेंगे। देखो कैसे हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले एक रिएक्शन लेते हैं H2+I2 2HI का फॉर्मेशन करता है, और आपको क्या गिवेन है, बताया गया एट टी बराबर 0 पर हम लोग A मोल लेकर के चले थे किसके, H2 के, और B मोल लेकर के चले थे I2 के।
ठीक है। और आपसे पूछा गया इसका पूरा सेटअप तैयार करके बताओ कैसी केटर में, और यही सेम कंडीशन यहाँ पर भी बताया गया है एट टी बराबर जीरो पर इसके ए मोल हैं एच टू के और आई टू के क्या हो जाता है बी मोल है। तो यहाँ पर केपी कैसे निकाला जाए, केसी कैसे निकाला जाए, पहले इस पर हम लोग कंसंट्रेट होते हैं। सबसे पहले आपको यह करना है कि चलो ठीक है इक्विलिब्रियम पर इसकी मात्रा तो मैक्सिमम थी, सॉरी एट इनिशियल की बात करते हैं, ये तो अभी बना नहीं है, जीरो है, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है तो आपको पता है एट इक्विलिब्रियम जब आएगा तो मान लेते हैं यहाँ से इससे एक्स मोल टूट गया होगा, ए मोल में से एक्स मात्रा इसकी टूटी और यहाँ पर ये बी था, बी से कोई एक्स मात्रा टूट जाती है और यहाँ पर आपको पता है टू है, अगर इनसे हम लोग एक्स एक्स तोड़ रहे हैं यहाँ पर इसके कितने मोल है दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये कितना बन जाएगा टू एक्स बन जाता है। ध्यान देना ये हम लोग यहाँ पर इसे लेके चलते हैं, इसके एक कोफिशियंट थे इसके वन कोफिशियंट थे, तो यहाँ पर तोड़ रहे थे कितना वन वन एक्स या फिर कह सकते हैं एक्स, यहाँ पर भी एक्स तोड़ रहे थे, यहाँ पर इसके कोफिशियंट टू थे तो यहाँ पर टू एक्स बना दिया। ठीक है बात है नीचे, अब ये तो आपका मोल है, कहाँ का मोल है आप बताओगे एट टी बराबर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर एच टू के कितने मोल हुए, आई टू के कितने मोल होंगे, एच आई के कितने मोल होंगे, ये तो आपको पता चला, लेकिन आपको चलना है कहाँ पर केसी पे। तो केसी के चलने के लिए यहाँ से रास्ता आपको याद रखना है, अब आगे क्या करना है यहाँ पर मोल को कन्वर्ट करना है कंसंट्रेशन में। ये तो इक्विलिब्रियम पर मोल हुआ, आपसे पूछा ये क्या इक्विलिब्रियम पर आप कंसंट्रेशन बता सकते हो, आपको पता है मोल अपॉन वॉल्यूम कर देते हैं कंसंट्रेशन हो जाता है, तो वहाँ जो वीकर का जो भी वॉल्यूम होगा जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा उस कंटेनर के वॉल्यूम से हमने क्या किया सबको डिवाइड कर दिया, तो ये मोल था मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम आपका कंसंट्रेशन बन के तैयार हो गया। और मैंने आपको बताया था केसी का फॉर्मूला लिखना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एच आई की कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन एच टू की कंसंट्रेशन इंटू आई टू की कंसंट्रेशन। अब वैल्यू जो हमने यहाँ पर कंसंट्रेशन बना के तैयार किया है उसको यहाँ पर रख देते हैं, एच आई की वैल्यू आपकी कितनी मिली थी टू एक्स अपॉन वी रख दिया स्क्वायर कर दिया, इसकी वैल्यू एच टू की कितनी थी ए माइनस एक्स अपॉन वी यहाँ पर रख दिया, और आप बताओगे यहाँ पर I2 की वैल्यू कितनी है B माइनस एक्स अपान वी यहाँ पर रख देते हैं सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको पता है यहाँ पर वी स्क्वायर है, यहाँ पर ये वी इसको निपटा देगा, यहाँ पर टू टू जै फोर हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा A माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स यहाँ पर बच जाता है आपकी केसी की वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ तक तो सब ठीक है, ठीक है, यहाँ से मोल के बाद आपको कंसंट्रेशन पे ही जाना है अगर केसी निकालना, लेकिन सबसे मेन यहाँ पर केपी, केसी तो सब निकाल लेते हैं, दिक्कत सबको केपी पे होता है, क्यों दिक्कत होता है इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। सेम उसी रिएक्शन को यहाँ पर भी लिया गया है, सेम सारी चीज़ें कंडीशंस हैं, मतलब इसी को केसी की जहाँ पर केपी पूछ लिया जाए तो हम लोग कैसे उसको टर्न लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ए मोल इनिशियल में ये था ये बी मोल था, एट इक्विलिब्रियम पे इससे एक्स पार्ट टूटा इससे एक्स पार्ट टूटा तो यहाँ पर इसके टू एक्स मोल, भले केपी निकाल रहा है अभी मोल की ही बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि मोल में दिया गया था इन्फॉर्मेशन ना, प्रेशर में दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर मोल से दिया जाता है तब दिक्कत होती है। तो मोल से क्या किया यहाँ पर इक्विलिब्रियम के मोल की तरफ गए, इक्विलिब्रियम पर मोल पता चला इतना है, फिर अब आपको क्या करना था यहाँ पर देखो यहाँ पर इक्विलिब्रियम के मोल के बाद हम लोग कंसंट्रेशन की तरफ चलते थे लेकिन यहाँ पर रास्ता अलग हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम के मोल के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर ध्यान देना है हमको कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं, इसमें कंसंट्रेशन से कोई मतलब ही नहीं, हमको क्या करना है टोटल मोल की तरफ चलना है, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल कितने और कैसे निकाला जाए बताओगे यहाँ पर जितने रिएक्टेंट हैं उनके मोल और जितने प्रोडक्ट हैं उनके मोल सबको जोड़ दो, आपने बताया ए माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस टू एक्स जोड़ दिया, यहाँ पर माइनस एक्स कितना हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स और ये माइनस टू एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा ए प्लस बी। वैसे भी कहा जाता है अगर किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा एनर्जी की वैल्यू जीरो होती है तो वहाँ पर इनिशियल में जितने मोल होते हैं उतने फाइनल में भी होते हैं, इनिशियल में कितने मोल थे ए प्लस बी और इक्विलिब्रियम पे भी मोल आपको कितने मिलते हैं ए प्लस बी, ये उसी के लिए एप्लीकेबल होता है जिसका डेल्टा एनर्जी जीरो होता है, क्योंकि आपको पता है इसका डेल्टा एनर्जी क्या हो जाएगा प्रोडक्ट में कितने मोल है दो रिएक्टेंट में कितने मोल हो जाएंगे टू, तो आप बताओगे डेल्टा एनर्जी बराबर यहां पर चलता है दो में से दो गया जीरो, ठीक है, ये तो साइड वाइज कॉन्सेप्ट हो गया। फिर बात करते हैं यहाँ पर आपको क्या करना पड़ा इक्विलिब्रियम के मोल के बाद टोटल मोल की तरफ चलना पड़ा, अगर ये कंसंट्रेशन केसी की बात होती है तो कंसंट्रेशन पे जाते हैं यहाँ पर टोटल मोल पे गए, अब आपने फॉर्मूला तुरंत लिख लिया केपी का, ये तो मैंने आपको सिखाया था, अब बताओ कि प्रोडक्ट की कंसर्न प्रेशर पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर अपान रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर यहाँ पर ऐसा लिख दिया ऐसा सेट हुआ। अब सवाल आता है प्रेशर में तो आप तो अभी कहीं पर आपको प्रेशर की वैल्यू नहीं मिली आपको तभी यहाँ पर मोल की वैल्यू मिली है, अब आते हैं यहाँ पर वैल्यू को आगे लेके चलते हैं, हमें कॉन्सेप्ट पता है किसी का पार्शियल प्रेशर निकाला जाए तो पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर होता है, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर होता है, तो यहाँ पर बताया गया जिसका भी आपको पार्शियल प्रेशर चाहे एच आई का हो चाहे एच टू का हो चाहे यहाँ पर आई टू का हो जिसका भी पार्शियल प्रेशर लिखना है उसका आपको पार्शियल प्रेशर किस टर्म में लिखना है मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर के टर्म में,
ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं किसी का भी मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता। मान लिया किसी ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, आप बताओगे ए के मोल अपान टोटल मोल, यही तो हो जाएगा जितने भी हैं वहाँ पर। अगर मान लिया दो लोग हैं ए और बी, तो सोल्यूशन में जितने लोग हैं उनका टोटल मोल, तो ये चीज़ें चलती हैं। अब आते हैं यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई क्या हो जाएगा। आप बताओगे एच आई के मोल, एच आई के मोल कितने हैं इक्विलिब्रियम पर, 2x है, और सोल्यूशन के टोटल मोल कितने हैं, ए प्लस बी, यही तो होता है। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल अपान टोटल मोल, टोटल मोल कितना है ए प्लस बी, इसलिए वहाँ पर निकाल लिया गया 2x अपान ए प्लस बी। और यहाँ पर टोटल प्रेशर कितना है पीटी मान लिया। फिर H2 की बात करते हैं, H2 का वहाँ पर बताओ, H2 का अगर आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है तो आप बताओगे इसके मोल अपान टोटल मोल इंटू टोटल प्रेशर, यही तो जाएगा। मोल फ्रैक्शन हुआ या टोटल प्रेशर हुआ। मोल फ्रैक्शन को कैसे निकालते हैं, यहाँ पर बताओ ए माइनस एक्स था, ए माइनस एक्स रख दिया, टोटल मोल कितने थे ए प्लस बी है, रख दिया इंटू टोटल प्रेशर। ऐसे इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है I2 का, तो I2 का क्या हो जाएगा मोल अपान टोटल मोल, इसके मोल कितने किलोग्राम b माइनस x है, टोटल मोल कितना a माइनस x है, रख दिया यहाँ पर pt से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए मोल फ्रैक्शन इनटू पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर। तो इससे हमने क्या किया कि हमको दिया गया था सारा इन्फॉर्मेशन मोल के टर्म में, हमने यहाँ पर दिमाग लगाया, ठीक है, यहाँ पर क्या किया इनको प्रेशर के टर्म में कन्वर्ट कर दिया मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर के मदद से। अब इस वैल्यू को उठा करके इस फॉर्मूले में रख देते हैं और सॉल्व करते हैं तो आपको केपी क्या मिल जाएगा। अब बताओगे केपी बराबर 4x स्क्वायर अपान ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। अगर आप देखो यहाँ पर भी केसी की वैल्यू क्या आई थी 4x स्क्वायर अपान ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। कहने का मतलब जो केसी की वैल्यू आई वही केपी की वैल्यू आई। वैसे भी तो हम लोग क्या सब जगह केसी केपी की वैल्यू सेम होती नहीं। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपको याद हो बताया था, अगर कहीं पर डेल्टा एम जी की वैल्यू जीरो आ जाए वहाँ पर के पी बराबर के सी हो जाता है। और आपको पता है जो एग्जांपल हमने लिया है H2 प्लस I2 प्लस 2HI इक्वल टू 2HI बनता है, यहाँ पर आप डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालते हैं क्या आ जाता है जीरो आ जाता है। इसलिए बताया गया जो के पी की वैल्यू आई वही के सी की वैल्यू है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए, ठीक है, आपने वहाँ पर पहले अनुमान लगा लिया यहाँ पर तो डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो है, तो आपसे के पी भी पूछा जाए, भले के पी पूछा जाए, अगर आपको लगता है केसी निकालने में जल्दी से केसी को निकाला जा सकता है, ठीक है, तो आप जल्दी से केसी को निकाल दो, जो भी वैल्यू केसी की आएगी वही किसकी हो जाएगी के पी की आ जाएगी। तो आपको स्टेप बाय स्टेप देना है, खास करके ये जो स्टेप यहाँ पर टोटल मोल की तरफ चलते हैं यहाँ पर कंसंट्रेशन की तरफ चलते हैं, कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको आसानी से कर सकते हो। चलिए यहाँ पर हम लोग लास्ट टॉपिक देखते हैं ले चेटेलियट्स प्रिंसिपल, ठीक है, इनके प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो इनका क्या कहना था, कहा गया अगर कोई रिएक्शन मान लिया वो इक्विलिब्रियम पर बनी हुई है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पर वो स्टेबलाइज है, कहा जाता है अगर वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कंसंट्रेशन का प्रेशर का टेम्परेचर का कोई भी ऐसा चेंज करते हैं जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाती है। पहली बात क्या है, इक्विलिब्रियम बनी हुई थी अच्छी खासी, ठीक है, मस्त में इक्विलिब्रियम चल रहा था, फिर वहाँ पर किसी कारण बस उसमें परिवर्तन किया गया, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया गया, चाहे वो कंसंट्रेशन हो प्रेशर हो टेम्परेचर कुछ भी वहाँ पर किया गया जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाती है। अब सवाल आता है जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गई है वो अपने आप को क्या करना चाहेगी, अपने आप को मैनेज करना चाहेगी, क्या चाहेगी, अपने आप को मैनेज करना चाहेगी कि मेरा जो डिस्टर्बेंस है मैं कितनी जल्दी फिर से अपने इक्विलिब्रियम को स्टेबलाइज कर लूँ। उसके लिए क्या हो जाता है, रिएक्शन को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपनी स्पीड को क्या करता है बढ़ाना पड़ता है, कभी घटाना पड़ता है। अब सवाल ये आता है किस स्पीड में जाएगा, किस तरफ जाएगा, ठीक है, ये कौन बताता है, ले चेटेलियट्स ने अपना एक प्रिंसिपल बताया कि अगर कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर बनी हुई है अगर हम लोग क्या करते हैं इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, चाहे वहाँ पर कंसंट्रेशन प्रेशर टेम्परेचर कुछ भी वहाँ पर चेंज करके डिस्टर्ब करते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिस डायरेक्शन में उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सके, ठीक है, उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी। जैसे कोई भी चीज़ अगर वहाँ पर क्या हो जाता है बढ़ जाता है तो उसको घटाने की कोशिश करेगी, अगर कोई चीज़ घट रही है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी, मतलब जो उसमें परिवर्तन किया गया है वो चाहेगी कितनी जल्दी उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके, और न्यूट्रलाइज करने का मतलब यही है कोई चीज बड़ी है तो उसको न्यूट्रलाइज करना क्या करे उसको घटा दो, कोई चीज घटी है तो उसको क्या करना है न्यूट्रलाइज करने का मतलब क्या है उसको जल्दी से बढ़ा दो, ठीक है, यही पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर चलता है। तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी जहां पर उसके इफेक्ट को कम से कम किया जा सके। यह था ले चेटेलियट्स प्रिंसिपल। अब इनका क्या होता है इफेक्ट हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहां पर इनके इफेक्ट की बात करते हैं, आपने क्या किया चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड प्रोडक्ट, आपने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को परिवर्तित करते वहां पर क्या कर दिया इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, तो क्या हो जाएगा। जैसे यहां पर समझो आपने कंसंट्रेशन को परिवर्तित किया, मान लिया आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। अब एक पल के लिए सोचो आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाया है तो रिएक्शन क्या चाहेगी, रिएक्शन चाहेगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को घटा दिया जाए। ये आपका रिएक्टेंट होता है, ये आपका प्रोडक्ट होता है, आपने इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाया, इसकी कंसंट्रेशन को घटाया कैसे जाए,
इसकी मात्रा को घटाया कैसे जा बताओगे, इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओ, जल्दी जल्दी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर दो, तब रिएक्टेंट की मात्रा कम हो जाएगी। वही चीज़ यहाँ पर बताया गया, अगर रिएक्टेंट की मात्रा आपने ज़्यादा कर दी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन खूब तेजी से भागेगी। कौन सी डायरेक्शन जाएगी? फॉरवर्ड में जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको इसके इफेक्ट को कम करना है। और कम कैसे किया जा सकता है, ये बढ़ी हुई मात्रा को कम कैसे करना है, आप बताओगे? ये फॉरवर्ड में जाएगा, अपने आप को प्रोडक्ट में चेंज कर देगा और इसकी मात्रा कम हो जाएगी। फिर बात करते हैं, चलो दूसरा, आपसे कहा गया कि रिएक्टेंट की मात्रा कम कर दी गई, ठीक है, अगले स्टेप में बताया गया रिएक्टेंट को कम कर दिया गया, बताओ रिएक्शन को पता चला कि यहाँ पर हमारा रिएक्टेंट कम हो रहा है, बताओ इसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये कम हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। और कैसे बढ़ेगा, बताओ कि रिएक्शन को पीछे की तरफ भेजो, प्रोडक्ट को जल्दी जल्दी क्या करना है आपको, प्रोडक्ट को आपको जल्दी जल्दी रिएक्टेंट की तरफ भेजना पड़ेगा, तब जा करके यहाँ पर होगा। मतलब कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटी तो तुरंत सोल्यूशन क्या हो जाएगा, रिएक्शन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा, जिससे कि इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मैनेज किया जाए। फिर ऐसे प्रोडक्ट की बात करते हैं, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए, ध्यान से समझना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया तो आपको पता ये क्या चाहेगा, इसको घटाना, और घटाने का एक ही विकल्प है, ठीक है, ये पीछे की तरफ जाए और अपने आप को रिएक्टेंट में चेंज कर दे। इसलिए बताया अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगती है, पीछे की तरफ जाती है। और ऐसे बताया कि अगर रिएक्टेंट को आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं, कम करने का मतलब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसकी मात्रा को या फिर यहाँ से कम करते हटाते चले जा रहे हैं, या फिर इसकी कंसंट्रेशन को आपने कम कर दिया, तो रिएक्शन चाहेगी इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाना। और आपको बताया प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये रिएक्टेंट क्या करेगा, अपने आप को जल्दी जल्दी तोड़ेगा या फिर अपने आप को चेंज कर देगा प्रोडक्ट में, मतलब कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो अगर आपको इनका कॉन्सेप्ट समझ में आया, रिएक्शन चाहेगी अपने आप को कितनी जल्दी फिर से बैलेंस कर लिया जाए, जो इफेक्ट वहाँ पर उसको जल्दी से कम कर दिया जाए, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज किया जाए, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। चलिए अगर चेंज इन टेम्परेचर की बात करते हैं, इसको तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर की बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, अब बताओगे यहाँ पर कोई इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज थी, वहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, तो आपको बताया रिएक्शन आपको क्या मिलने वाली, या तो एंडोथर्मिक मिलती है या फिर एक्सोथर्मिक मिलती है। और एंडोथर्मिक ऐसी रिएक्शन होती है जो खुद चाहती है कि मुझे हीट मिले तब मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है, हीट मिले तो आगे बढ़े, ठीक है, हीट देना कम किया तो आगे नहीं और पीछे की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि यह एंडोथर्मिक का काम ही होता है, हीट दोगे तभी रिएक्शन आगे जाएगी। इसलिए बताया गया अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और जो भी बातें हम लोग कह रहे हैं सब फॉरवर्ड को देखते हुए कर रहे हैं, ठीक है, कि फॉरवर्ड में है, अगर मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहा हूं, मतलब फॉरवर्ड में अगर जाते हैं तब देखते हैं वो एंडोथर्मिक है, ठीक है। अब क्या हो जाता है अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया, आपको बताया एंडोथर्मिक रिएक्शन चाहता है मुझे बहुत टेम्परेचर, मुझे और ज्यादा हीट मिले, तो आपको बताइए फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही भागेगा। और अगर कह दिया जाए टेम्परेचर को कम करते चले जा रहे हैं, टेम्परेचर को कम करते चले जा रहे हैं, तो आपको बताइए क्या करेगा, फिर वो पीछे की तरफ भागेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ऐसे अगर एक्सोथर्मिक की बात करते हैं, एक्सोथर्मिक मतलब फॉरवर्ड में ऐसी एक रिएक्शन जो क्या करती है, रिएक्शन के दौरान क्या करते, हीट को बाहर निकालती, हीट ये खुद निकाल रहे हैं, और बताया कि आप टेम्परेचर भी दे रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो तो अल्टीमेटली उसको हीट दे रहे हो, मतलब क्या होता है फॉरवर्ड में हीट खुद निकालता है, इसका मतलब आप हीट दोगे तो फॉरवर्ड नहीं, अब ये उस हीट को कम करने के लिए कहाँ पर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, जिससे उसके इफेक्ट को कम कर दिया जाए। और उसका चारा यही, अगर फॉरवर्ड में जाएगा तो रिएक्शन खुद फॉरवर्ड में हीट निकाल रही है और आप हीट खुद दे रहे हो वहाँ पर, तो हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, इसलिए क्या हो जाएगा इफेक्ट को कम करना है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा दिया तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। और यही बताया गया अगर टेम्परेचर को कम करते चले जा रहे हो, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेम्परेचर बढ़ता है मतलब हीट बढ़ती है और टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो ये उसको मैनेज कैसे करेगा, कहेगा जल्दी जल्दी फॉरवर्ड में जाओ, जो टेम्परेचर की कमी हो रही है फॉरवर्ड में जाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, इसलिए इसको क्या वहाँ पर लेके जाएंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएंगे। तो ओवरऑल आपको याद यही रखना है, ठीक है, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाया तो फॉरवर्ड, घटाया तो बैकवर्ड, एक्सोथर्मिक में इसका जस्ट उल्टा, बढ़ाया तो बैकवर्ड और घटाया तो फॉरवर्ड जाता है। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं चेंज इन प्रेशर, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, वैसे तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं हम लोग डीप चाहते हैं, बस यहाँ पर ऐसे याद रखते हैं, अगर प्रेशर को बढ़ाया जाएगा, ठीक है, प्रेशर को बढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर वो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन जाएगी आपको चेक करना है, जहाँ पर लेस नंबर ऑफ मोल होंगे, जहाँ पर मोल के नंबर सबसे कम होंगे, आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों को चेक करना है। आप जब प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहाँ पर जाएगी, जिस साइड, चाहे राइट साइड चाहे लेफ्ट साइड, जहाँ पर मोल के नंबर कम होंगे उसी डायरेक्शन में रिएक्शन भागेगी। और आपने क्या किया, प्रेशर को कम कर दिया तो क्या हो जाएगा, अब बताओगे उधर भागेगी जहाँ पर मोल को वो बढ़ा सके, प्रेशर को कम कर देंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, बताओगे रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ पर मोल के नंबर ज़्यादा हो। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है, यहाँ पर PCl5 है, ये क्या करता है PCl3 और Cl2 में टूटता है। आपसे कहा कि अगर हम लोग प्रेशर को बढ़ाएँ
तो बताओ प्रेशर को बढ़ाएंगे कौन सी डायरेक्शन, फॉरवर्ड में कि बैकवर्ड? प्रेशर बढ़ रहा है किसको फेवर करता है? लेस नंबर ऑफ मोल। अब बताओ कि फॉरवर्ड में कितने मोल है? 2 मोल है, और बैकवर्ड में कितने मोल है? 1 मोल है। तो कहां पर जाएगा? लेस नंबर, मतलब कि पीछे की तरफ आएगा जहां पर मोल के नंबर कम है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये कह देते प्रेशर को घटाओ तो घटा हुआ प्रेशर किसको? बढ़े हुए मोल को फेवर करता है। तो अब बताओ कि प्रेशर को घटाएंगे तो देखिएगा कहां पर मोल के नंबर ज्यादा हैं। अब बताओ कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोल के नंबर कितने हैं? 2। बैकवर्ड डायरेक्शन में कितने हैं? 1। तो अब बताओ कि फॉरवर्ड में जाओ मोल ज्यादा है तो यहां पर क्या करेगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि वहां पर मोल के नंबर ज्यादा है। तो ये हुआ यहाँ पर प्रेशर का इफेक्ट। अगर हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम का, और आपको पता है वॉल्यूम और प्रेशर में क्या होता है? उल्टा रिलेशन। कहीं पर प्रेशर बढ़ाते गए वॉल्यूम घटता चला गया, यही तो होता है। प्रेशर बढ़ाते गए वहाँ पर वॉल्यूम घटता चला जाता है, इसलिए बताया गया उल्टा रिलेशन होता है। अगर यहाँ पर बढ़ा हुआ प्रेशर लेस नंबर ऑफ मोल को फेवर करता है तो बढ़ा हुआ वॉल्यूम किसको फेवर करेगा? बढ़े हुए मोल को फेवर करेगा, उसका जस्ट उल्टा। और घटा हुआ वॉल्यूम किसको फेवर करेगा? घटे हुए मोल को करता है। ठीक है, तो प्रेशर का पता चल गया, उसका जस्ट उल्टा वॉल्यूम का इफेक्ट होता है। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पर, जस्ट उसका उल्टा होगा। चलिए यहाँ पर लास्ट इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। याद रखना मैंने यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर की बात की है, प्रेशर कांस्टेंट होगा तभी आपको इसका इफेक्ट मिलने वाला है। बताया कि एक्चुअली होता क्या है, आप खुद समझो। प्रेशर को रोक दिया गया, जितना है उतना है। आप जब इनर्ट गैस को वहाँ पर ऐड करोगे, प्रेशर तो नहीं बदल रहा है, लेकिन आपको बताया कहीं पर अगर आप गैसेस को भरते चले जाओगे, गैसेस को भरते चले जाओगे, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वो जो गैस है वो तो जगह तो छेकेगी, ठीक है, वहाँ पर अपना जगह तो वहाँ पर बनाएगी ना। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, मान लिया इतना वॉल्यूम था, आपने इनर्ट गैस ऐड करते चले गए, वॉल्यूम बढ़ता गया, वॉल्यूम बढ़ता गया, बढ़ता गया, भले प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है। अब बताओ कि इनर्ट गैस को ऐड किया तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और आपको बताया वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और बढ़ा हुआ वॉल्यूम क्या करता है? मोर नंबर ऑफ मोल्स को, ठीक है, ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स की तरफ भागेगा। ठीक है, जैसे यहां पर हम लोग बात करते हैं PCl5 है, आपसे कह दिया जाए अगर इनर्ट गैस को, यहां पर रिएक्शन PCl5 PCl3 और Cl2 में टूट रहे, देखो यहां पर एक मॉलिक्यूल था, यहां पर 2 हो जाता है, मतलब डिसोसिएशन हो रहा है। अगर ये जुड़ते हैं, ये दोनों मिलते हैं, तब ये बनता है, इसको हम लोग एसोसिएशन कहते हैं। फॉरवर्ड में डिसोसिएशन, बैकवर्ड में एसोसिएशन है। तो अगर आपसे पूछा जाए इनर्ट गैस को ऐड करा दो यहां पर, अब बताओ इनर्ट गैस होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोर नंबर ऑफ मोल की तरफ भागेगा। अब बताओगे अगर यहां पर करेंगे तो कौन सी तरफ जाएगा? अब बताओगे फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब डिसोसिएशन को फेवर करता है, किसको फेवर करेगा? डिसोसिएशन की तरफ जाएगा, क्योंकि अगर यहां पर इनर्ट गैस ऐड कर दिया, और वो भी कॉन्स्टेंट प्रेशर होना चाहिए, वॉल्यूम आएगा तो इफेक्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो आप बताओगे फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा, या फिर कह सकते हैं डिसोसिएशन को फेवर करेगा। फिर यहां पर बात करते हैं, यहां पर ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा? आपको पता है यहां पर आपको प्रोडक्ट साइड में फॉरवर्ड में 2 मोल मिल रहे हैं, और बैकवर्ड में आपको 2, 1, 3, 1, 4 मिल रहे हैं। तो यहां पर अगर इनर्ट गैस को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और आपको पता है बैकवर्ड में क्या हो रहा है? डिसोसिएशन, फॉरवर्ड में एसोसिएशन, ये दोनों मिल करके एक हो रहे हैं यहां पर, और यहां पर ये टूट करके इनको बना रहे हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा, अगर डिसोसिएशन एसोसिएशन की बात करेंगे तो आप बताओगे डिसोसिएशन की तरफ जाएगा, या फिर अगर ऐसी कोई रिएक्शन दे दिया गया फॉरवर्ड बैकवर्ड की बात कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए इनर्ट गैस को ऐड करेंगे मोर नंबर ऑफ मोल को फेवर करेगा, जहां पर मोल के नंबर ज्यादा है। आपको पता है पीछे की तरफ मोल के नंबर ज्यादा है, तो यहां पर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, या फिर कह सकते हैं डिसोसिएशन। तो इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ठीक है, हम लोग उसको खत्म कर चुके हैं। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है, धन्यवाद।